स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम 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 गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरु सद्गुरुदेव की या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदा जाड्यांधकार हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आत्मीय स्वजनों, विशेषतः मेरे प्रिय मित्र स्वजन और जिनकी साहित्य रचनाओं को मैंने आस्वादन करते हुए मेरी साहित्य रुचि बनी है, ऐसे डॉक्टर मुकुल भाई, पत्रकार मिस्त्री महोदय, मुकुल भाई ने जो बात की, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, विशेष करके जो आधुनिक युग की समस्याएं हैं, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कुवो हतो ने डोल हती दोरडू हतू, पण मो कुवानू डोल थी ये सांकडू हतू। मुकुल भाई की रचना है। विते रात अपलक अपनू छे अने वायवाणू, त्यजेला प्रणय नू मळे सालियाणू। बाजू सोल्यूशन पण केवू सरस आपे, कहवूं जगत व्यर्थ छे ए तो जाने, कहवूं जगत व्यर्थ छे ए तो जाने, गड़ोफा में बर्फी ने मोढ़ू कटाणू। निकल गया असावा परिवार के द्वारा। जब पिछले वर्ष भागवत कथा का आयोजन किया गया, उसी समय इस सेमिनार की नींव रखी गई थी। हमारे कन्हैया भाई को, प्यारी बहना अनुराधा को, विनोद जी को ये सब ये विचार आया कि विशेष करके जो परिवार की युवा पीढ़ी है, आशीष भाई से लेकर के पूरी फौज, उनके लिए, और फिर न केवल असावा परिवार के लिए लेकिन समाज के सभी लोगों के लिए, क्योंकि एक विषय उस समय ऐसा भी आया था कि लोगों को भागवत और गीता ये दोनों में अंतर क्या है वो भी पता नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं तब भी कहते हैं भागवत गीता सुनने जाते हैं, और गीता प्रवचन का मौका कभी मिल जाए तब भी कहते हैं भागवत गीता सुने। तो ये दोनों में अंतर क्या है वो भी यदि ये पता न हो तो मुझे प्रश्न पूछना, मैं उत्तर दूंगा इसका कि अभी दे दूं आरंभ में ही। कितने लोगों को पता है भागवत और गीता के बारे में, ये दो अलग अलग ग्रंथ हैं, या सुनना चाहेंगे आप इसके बारे में? पता है सबको? नहीं है पता, जरा हाथ ऊपर कीजिए। देखिए पहले कहा गया ये ट्रेडिशनल पारंपरिक सत्संग जो कहते हैं, या तो अखाए जिना पर चापखा मारे छे, कथा सुनी सुनी फूटिया कान, तो है ना आवी ब्रह्मज्ञान, ए नथी। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरएक्टिव सेमिनार, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ डिसिप्लिन, कोई भी कभी भी उसके मन में हाथ ऊपर करके सभी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं जब प्रश्न पूछूं तभी तो आपको उत्तर देने हैं।
और आपके प्रश्न पूछने का एक अनुशासन होगा, एक डिसिप्लिन होगी कि आप लिख के दे दोगे तो उसका उत्तर भी व्यासपीठ से दिया जाएगा। कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत और भगवद गीता में क्या अंतर है? ओहो, चलो आरंभ इसी से करें। श्रीमद् भगवद गीता जिसका अध्ययन हम आज से आरंभ करके आने वाले 18 वर्षों तक करने वाले हैं, अब 18 वर्ष कहूं या 18 सत्र कहूं ये कन्हैया भाई आप संकलन समिति तय करना, लेकिन और उद्घोषक महोदय ने केवल 5वें अध्याय तक की ही बात की, विश्व भर में पिछले 30 वर्षों से ये क्लासरूम सेमिनार्स हो रहे हैं। मुंबई में 15 वर्ष पहले पूरा हो गया, मतलब पूरे 18 अध्याय, जिसकी मुकुल भाई गुजराती भाषा में फर्स्ट स्टूडियो एडिटेड 207 घंटे के भगवद गीता के ऊपर प्रवचन, जहां पर श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक एक एक शब्द डिटेल में समझाया गया है, और उस समय में तो ऑडियो कैसेट हुआ करती थी, तो इतना बड़ा बॉक्स लोग 200 कैसेट का लोग, इट वॉज अ कलेक्टर्स आइटम, स्टडी करने वाले लोग, और इतना प्रचलित हुआ। फिर विश्व भर में न्यूयॉर्क में 5-7 साल पहले पूरा हो गया, अमेरिका में 18 अध्याय, वो 20 साल तक चला, क्योंकि 9वां अध्याय और 18वां अध्याय बड़ा है, उसके लिए दो दो वर्ष लिए, दो सत्र, 7-7 दिन के 2 वर्ष। लंदन में 10वें-11वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, अमेरिका में ही और कई सेंटर में चल रहा है, उसमें अभी जो मुझे याद आ रहा है हैरिसबर्ग में 11वां अध्याय इस वर्ष होगा, पेंसिल्वेनिया में, सिंगापुर में हुआ है, दुबई में चल रहा है, दुबई में कितने 4 अध्याय हुए, दुबई में 4 अध्याय हुए, तो ऐसे, और भारत में भी कई स्थान पर ये चल रहा है। तो 5वां अध्याय तो उद्घोषक महाशय को केवल इसलिए याद रहा होगा कि आज सुबह ही टीवी पर उसका टेलीकास्टिंग पूरा हुआ अहमदाबाद का, इट्स जस्ट वन ऑफ द मैनी सच सेमिनार्स। भगवत गीता क्यों, और भागवत और भगवत गीता में अंतर क्या है? श्रीमद् भागवत अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ है, जबकि भगवत गीता महाभारत का अंश है। थोड़ी सी परिचय भी दूंगा इसके बारे में। शतसाहस्री कहा जाता है महाभारत को। महाभारत वस्तुतः युद्ध का जो प्रसंग है उसको महाभारत कहते हैं, लेकिन उस ग्रंथ का नाम ही महाभारत पड़ गया। वस्तुतः महर्षि व्यास ने जब उस ग्रंथ का आलेखन किया है तो महर्षि व्यास लेखक के रूप में, कवि के रूप में उस ग्रंथ को नाम प्रदान करते हैं जय संहिता। प्रारंभ में मंगलाचरण में महर्षि व्यास ने लिखा है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततः, ये सब भगवानों का स्मरण करने के बाद मैं जयम उदीरयेत, जय संहिता का वर्णन कर रहा हूं। तो महाभारत जिसको हम कहते हैं, वस्तुतः महर्षि व्यास ने जो नामाभिधान किया है वो है जय संहिता। जीवन में जय कैसे पाएं, हाउ टू बी अ विक्टर इन लाइफ एंड नॉट अ विक्टिम, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, क्या करें परिस्थिति ऐसी हो गई, परिस्थिति को शिकार नहीं बनना है आपको। जीवन है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ सरप्राइजेस, वो प्रतिक्षण आपको नई नई चैलेंजेस देती रहेगी और आपको उसमें विजयी बनना है।
अरे छोटे बच्चे मम्मी पापा का फोन लेकर के उसमें जो वीडियो गेम शुरू करते हैं ना, वो वीडियो गेम में मैंने कई बार देखा कि उनको मजा क्या आता है। तो कभी कभी मैं पूछता हूं उनसे, व्हाट इज सो थ्रिल अबाउट इट, व्हाई डू यू लाइक इट, वो पूरे चिपके रहते हैं उसके साथ। तो उसमें पता चला मुझे, मैंने कभी नहीं खेली ये सब वीडियो गेम, शायद इसीलिए गीता पर प्रवचन कर सकता हूं। यदि वो खेलता तो उसी में रह जाता। लेकिन ये जो करते हैं उसमें उनको लगता है वो थ्रिल क्या है, चैलेंज है एक और रिवॉर्ड है, चैलेंज है रिवॉर्ड है। कहीं से वो कुछ मशरूम निकलता है, कहीं वो पॉइंट निकलते हैं, कहीं वो ऊर्जा कुछ नई सी आ जाती है। हर गेम में कोई नई नई बात होती है उसमें, और कोई राक्षस आता है उसको मारना पड़ता है, कोई कहीं से कुछ गिरता है उससे बचना पड़ता है, ऐसे औरतों में भागना है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ, नेक्स्ट लेवल पे जाओ। छोटा सा यंत्र लेकर के चैलेंजेस का सामना करने के व्यसनी लोग, दे आर लिटरली हुक्ड ऑन टू दैट। वास्तविक जीवन में कोई छोटी सी चैलेंज आ जाए तो हार जाते हैं। Isn't it a tragic moment? कि आर्टिफिशियल चैलेंज तुम खड़ी करते हो, किसी ने कहा नहीं कि एड्रेनलाइन रश के लिए तुम्हें, लेकिन मशीन के सामने तुम चैलेंज खड़ी करते हो, उस चैलेंज को स्वीकार करते हो और उसमें आनंद भी आता है। कृत्रिम चैलेंज इसमें मजा आ रहा है, और वास्तविक जीवन जब कोई चैलेंज सामने खड़ा करे तो तुम सर पे हाथ रख के ऐसे कुछ शब्द जो मैं व्यासपीठ से नहीं बोल सकता, ओ माय गॉड देखो कैसा हो गया, क्या करें। वीडियो गेम को फेंको और जीवन की वास्तविक चैलेंज को स्वीकार करो, न केवल स्वीकार करो लेकिन उसमें विजयी बनकर बाहर आओ। यह उपदेश जहां पर किया गया वो जय संहिता व्यास महर्षि ने लिखी, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। शतसाहस्री है वो, 1,00,000 श्लोक है उसमें। अब 1,00,000 श्लोक कब पढ़ो, कितने उसमें भी लोगों ने अंधश्रद्धा निर्माण की, महाभारत घर में रख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। क्यों, घर में महाभारत रखेंगे तो फिर महाभारत होगा, न रखने से कोई कम होता है। ये सारे अंधविश्वास, ऑन द कॉन्ट्ररी, घर में यदि महाभारत का ग्रंथ रखोगे, उसको पढ़ोगे तो जीवन के जो महाभारत होते हैं उसमें विजयी बनने की प्रेरणा मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये सुपरस्टिशन को मैं तोड़ूं, कोई ग्रंथ तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता, और ये तो सात्विक ग्रंथ है, हमारी धरोहर है। 1,00,000 श्लोकों का जो महाभारत है वो पूरा कोई व्यक्ति पढ़ पाए, समझ पाए, संभव नहीं। तो मध्ये महाभारतम, महाभारत के मध्य में केवल 700 श्लोक, 700 वर्सेस की ये भगवद गीता नाम का एक बड़ा प्यारा सा उपवन है ये, जहां पर बार बार जाने की इच्छा हो। और समग्र महाभारत में, समग्र जय संहिता में, समग्र शतसाहस्री में जो संदेश देना चाहते थे महर्षि व्यास, उसको एक नेक्टर के रूप में, एसेंस के रूप में, अर्क के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में रख दिया है। सूत्रात्मक है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहानियां नहीं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आपने श्रवण किया है पिछले से, कहानियां आती हैं प्यारी सी। दूसरे अर्थ में कहूं तो श्रीमद् भागवत इज अ वंडरफुल इनिशिएशन फॉर मासेस, और श्रीमद् भगवद गीता इज अ क्लासरूम टीचिंग फॉर क्लासेस। जिस तरह से, क्योंकि गीता, इसका अर्थ ये नहीं कि गीता मासिस के लिए नहीं है, ये कोई गलत अर्थ मत करना, लेकिन जो जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं, जो पंड को समझना चाहते हैं, स्वयं को समझना चाहते हैं, उनके लिए भगवद गीता। तो भगवद गीता महाभारत का अंश है, लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी इतना ही सम्मानित है।
क्रोनोलॉजिकली देखो, समय के इतिहास के रूप में देखो, तो गीता पहले है, भागवत बाद में है। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ, संक्षेप में कहानी बता दूंगा मैं, कुरुक्षेत्र के रणमैदान पर जब पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने है, उस समय प्रथम दिन युद्ध के आरंभ के समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, गीता के पहले अध्याय का 21वां श्लोक है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमे अच्युत। हे अच्युत, हे प्रभु श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए, ताकि यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। मैं जरा देख तो लूं कि इस रण मैदान में मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन आया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा, प्रभु दोनों और सेनाओं के बीच में रथ को ले गए और अर्जुन ने जो देखा, एक बात उसके मन में तय हो गई कि इस युद्ध में चाहे कोई भी जीते, एक बात स्पष्ट है कि इसमें जो मरेगा वो मेरा अपना व्यक्ति होगा, क्योंकि दोनों पक्ष में मेरे अपने ही स्वजन हैं। माय ओन रिलेटिव्स आर डिवाइडेड इनटू बोथ आर्मीज। मोहासक्त हुआ है, पहले अध्याय का नाम भी है अर्जुन विषाद योग, विषाद डिस्पोंडेंसी, विषाद दुख। उसकी बारीकी में हम जाएंगे, विषाद शब्द की बारीकी में प्रवचन की यात्रा के दरमियान, लेकिन मोटा मोटी अर्थ यदि बता दूं तो अर्जुन को एक मोहग्रस्त हो गया, अरे रे मुझे अपने लोगों को मारना पड़ेगा, नहीं मैं ये युद्ध लड़ना नहीं चाहता, इससे तो बेहतर होगा कि मैं भाग जाऊं, रण छोड़ के, रण मैदान छोड़ के चला जाऊं। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने शिष्यत्व स्वीकार किया। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। डियर कृष्ण, आई एम कंफ्यूज्ड, सम्मूढ़ता आई है। यह भी आज के समय की बड़ी समस्या है, कंफ्यूजन, उलझन। सामने इतनी सारी चॉइसेस हैं और उसमें से जो सिलेक्ट करना है, छोटी 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 बातों में, जैसे पहले शुरुआत में मैंने कहा कि लाइफ ऑफर्स यू चैलेंजेस, ऐसे ही लाइफ ऑफर्स यू चॉइसेस। सुबह स्नान करके आप वार्डरोब के सामने खड़े रहते हो ना, वहां से चॉइसेस शुरू हो जाती, क्या पहने, वो इतना सारा कपड़ों की दुकान लगा रखी है वार्डरोब के अंदर, क्या पहने, चॉइस है आपको। और दिन में कितनी बार फिर यहां जाना है तो ये बदलो, वहां जाना है तो ये करो, उधर जाना है तो ये करो, एंड इट इज सो कंफ्यूजिंग, इट्स नॉट दैट इजी। एक तरफ हमें लगता है कि जितने अधिक वस्त्र होंगे उतने हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन समस्या यह है कि जितने वो डूचा वधे छे ना हमें, उतनी तुम्हारी समस्याएं बढ़ती हैं, सुख नहीं बढ़ता। सुखी तो हम हैं, कोई चॉइस ही नहीं। एक सफेद धोती निकाली, एक सफेद कुर्ता निकाला, जहां जाना हो जहां चले जाए, पूरी दुनिया भर में घूमते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। आपको तो कितना, या ये प्रसंग में जाना है तो ये कलर, और कई बार तो माताएं, एक एक माता, पांच पांच माताओं को तीन तीन बार फोन करके पूछती है क्या पहनना है। कितने दुखी हो आप लोग, कंफ्यूजन लाइफ में जितनी चॉइसेस है उतने कंफ्यूजन है। अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वीकार करता है, प्रभु आई एम कंफ्यूज्ड, और मेरा कंफ्यूजन क्या है, पाप और पुण्य के बीच में नहीं है, दो धर्म के बीच में। यदि धर्म और अधर्म के बीच में कंफ्यूजन होता तो अर्जुन वॉज वाइज इनफ, इतना तो क्लेवर था कि वो धर्म को पसंद कर लेता, अधर्म को छोड़ देता।
अर्जुन का कंफ्यूजन धर्म और अधर्म में नहीं है, अर्जुन का कंफ्यूजन दो धर्मों के बीच में है। श्लोक आएगा तब डिटेल में देखेंगे। दो अच्छी बातें हैं सामने, लेकिन करनी एक ही है, तब क्या करें? तब अर्जुन ने शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अहम ते शिष्य, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, शाधिमा मुझे उपदेश करें, त्वाम प्रपन्नम मैं आपकी शरण में आया हूं। और भगवान ने जो उपदेश किया वो भगवत गीता, टू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता का स्वीकार, ये भगवत गीता है। जबकि श्रीमद् भागवत क्या है? जैसा मैंने कहा इतिहास में पीछे पांडवों का ये युद्ध हो गया, कौरव पांडव विजयी हो गए, राज्य थोड़ा सा किया, फिर हिमालय में महाप्रस्थान किया, उनके बाद परीक्षित का राज्य शुरू हुआ, और परीक्षित के राज्य में जो घटना हुई, परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया, ऋषि पुत्र का शाप मिला कि 7 दिन में तुझे तक्षक नाग काटेगा, 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। परीक्षित को जब पता चला कि अब मेरे पास केवल 7 दिन है और मुझे मुक्ति पानी है, मेरे जीवन को धन्य बनाना है, कैसे करूं? गंगा नदी के तट पर ऋषि मुनियों का ज्ञान सत्र चल रहा था, वहां जाकर के परीक्षित ने विद्वानों से पूछा कि मेरे पास 7 दिन है, मुझे जीवन को धन्य बनाना है, मुक्ति कैसे मिल सकती है? ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे, उस समय वहां श्री सुखदेव जी का आगमन, और ऋषियों ने कहा कि परीक्षित तुम बड़े भाग्यशाली हो, इतने ज्ञानी, इतने तेजस्वी, इतने प्रभावी व्यक्तित्व का तेरे इतनी सरलता से तुझे प्राप्त हो गए, तो उनसे पूछ अपना प्रश्न। परीक्षित ने सुखदेव जी को व्यासपीठ पर विराजमान किए, बिल्कुल सामने आसन लिया और ये प्रश्न पूछा कि मेरे पास 7 दिन बचे हैं जीवन के, मुक्ति मुझे कैसे मिल सकती है, मेरा जीवन धन्य कैसे बन सकता है? और श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को जो उपदेश किया वो है श्रीमद् भागवत। तो दोनों ग्रंथ अलग हैं, दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग है। श्रीमद् भगवत गीता तो रण मैदान में, युद्ध के मैदान में, और श्रीमद् भागवत गंगा नदी के तट पर पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग, जीवन में अब और कुछ नहीं है, केवल मुक्ति चाहिए, तब जो बात की गई है। श्रीमद् भागवत में 12 स्क याद है पिछले वर्ष का? पूछूं श्री कृष्ण का टेलीफोन नंबर कितने लोगों को याद रहा है? श्रीमद् भागवत में अध्याय कितने हैं? 1 साल हो गया। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 5,76,000 अक्षर हैं। ये श्रीमद् भागवत विशाल ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, और भगवद गीता में केवल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। लेकिन साइज की कंपैरिजन मत करना, क्योंकि वो 18 अध्याय और 700 श्लोकों को समझने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, इतना वो सूत्रात्मक, इतना गुह्य। भगवान स्वयं जो कहते हैं कि गुह्यम अध्यात्म संगितम मोस्ट सीक्रेट ऑफ द नॉलेजेस, ऐसा ये ज्ञान है। आइए, प्रश्न ये होता है कि क्यों कही गई भगवद गीता? कई बार एक छोटे से दृष्टांत से मैं भगवद गीता के आरंभ करता हूं। साहित्यकार बैठे हैं, श्रीमद् भगवद गीता यह धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र पर रचा हुआ अक्षर तीर्थ है, यह भगवद गीता। और क्यों? छोटी सी कहानी, मेरी दादी मां कहा करती थी, एक राजा था और उसका राजकुमार, टीनेजर रहा होगा,
16-17 वर्ष का, और जैसे ही आमतौर पर टीनेजर होते हैं उनको लगता है कि मैं ही सच हूं, मुझे जो चाहिए वो होना ही चाहिए, पापा को तो कुछ पता ही नहीं चलता, उनका तो जमाना गया, या तो वे मुझे समझ नहीं पाते। नहीं, मैं सूरत की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं। राजकुमार को ऐसा लगा कि पिता मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, पिताजी कुछ बात पर टन गई, ऐसी जिद्दी था वो, और जिद में आकर के राजकुमार महल छोड़कर चला गया रूठकर। बहुत उसे समझाया गया, मानने को तैयार नहीं था, बस जंगल में चला गया वो। राजा ने बहुत सारे आदमी भेजे कि ढूंढो कहां है मेरा पुत्र, पिता को तो प्रेम होता ही ना, कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती, पुत्र मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है, पिता नहीं कर सकता, पिता को तो प्रेम रहता ही है, और ये तो राजा था। उसने भेजे आदमियों को, ढूंढो मेरा पुत्र कहां पर है। हफ्ते हो गए, महीने निकल गए, आदमी लोग आके कहते हैं कि पता नहीं चलता आपका राजकुमार कहां है, मिलता ही नहीं है, किसी नगर में नहीं है, किसी गांव में नहीं है, है जंगल में। अच्छा, राजा को बड़ी चिंता हुई, मेरा पुत्र है, इतनी सुख सुविधाओं के बीच रहा है वो, पानी मांगे तो दूध उपस्थित हो जाए, ऐसी स्थिति में रहा, और जंगल में कैसे जीता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। बड़ी चिंता हुई जब राजा को, तो एक युक्ति की उसने, विश्वासु लोगों को बुलाया, भंडार थे संपत्ति के भरे हुए, रत्न सोना मोहर बड़े बड़े थैलों में भरवा करके कहा, ले जाओ और जंगल में सब जगह पे बिखेर दो इसको। मंत्री ने पूछा, इतनी संपत्ति जंगल में ऐसे बस फेंक दे, बिखेर दे। हां बिखेर दो, क्यों। राजा ने कहा कि मेरा पुत्र है, मुझे उसकी चिंता है, वो मुझसे रूठ गया है, वो मेरे हृदय की भावना को नहीं समझ पाता, लेकिन मुझे तो उसकी चिंता रहती है, इनमें से कोई एक रत्न भी उसके हाथ में पड़ जाएगा तो उसकी जिंदगी निकल जाएगी, बिखेर दो इसको, ये मेरी संपत्ति है, कोई बात नहीं। प्रिय स्वजनों, ये कहानी हमारी कहानी है। राजा ईश्वर है, परमात्मा है, और उसके प्यारे राजकुमार राजकुमारियां मेरे सामने उपस्थित हैं। पता नहीं कैसी अनबन हो गई, परम तत्व को हम समझ नहीं पाए, ईश्वर को हम समझ नहीं पाए। भगवान हमें कहता है कि तुम सरल मार्ग पर जियो, लाइफ इज सो सिंपल एंड वी आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छी तरह से जियो, पता नहीं हम नहीं जीना चाहते, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम जीना नहीं चाहते। हमारी बुद्धि का एक अरोगेंस ऐसा है, उद्दंडता ऐसी है हमारी, माय थिंकिंग, माय आइडियाज, परमात्मा से दूर भटक जाते हैं इस भवाटवी में, इस संसार रूपी जंगल में। भगवान को चिंता है हमारी, वो क्या करता है, कुछ सयाने लोगों को अपने पास बुला करके ये शास्त्रों के मूल्यवान रत्न देता है और कहता है कि संसार में जाकर बिखेरते जाओ, कोई एक रत्न भी मेरे मनुष्य के पास आ जाएगा और वो उस पर आचरण करेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा।
प्रिय स्वजनों, आज से शुरू करके 18 सत्र तक व्यासपीठ से ये रत्न बिखेरे जाएंगे। जिनके हाथ में जो रत्न लग गया, आचरण में रख दिया, केवल ये पुस्तक में लिख लेने से बात पूरी नहीं हो जाएगी। आचरण में जिसके आ गया, विश्व भर के अनुभव उसके साथ दावे से कह सकता हूं, जीवन परिवर्तित हो जाएगा, लाइफ विल बी मच बेटर। और यह भी एक हमारा मिसकंसेप्शन है कि धर्म के मार्ग पर चलो तो देर इज नो फन। आज की युवा पीढ़ी कहती है ना, उसे कहो कि धर्म के मार्ग पर चलो, देर है ना, अभी तो वी आर यंग, विल सी आफ्टर 65, जब और कुछ करने को नहीं रहेगा तब ये करेंगे। अभी तो वी वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ। किसने कहा आपसे कि धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन का आनंद चला जाएगा? हकीकत तो यह है कि धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन का आनंद बढ़ जाता है। आप संतों के जीवन को देखो, महापुरुषों के जीवन को देखो, इन स्पाइट ऑफ द एडवर्सिटीज, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं आती, आती हैं, फिर भी वे अपनी प्रसन्नता को नहीं छोड़ते। और यही प्रमाण है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। इसको हम सही रूप में समझेंगे। विनोबा भावे ने बड़ी सुंदर बात कही है। विनोबा भावे 20वीं सदी के ऋषि थे। एक अकस्मात हो गया कि वो गांधी जी से मिल गए, पता नहीं कैसे आकर्षित हो गए और स्वातंत्र संग्राम में चले गए, प्रथम सत्याग्रही बने। उससे राष्ट्र को लाभ हुआ कुछ हद तक, लेकिन अध्यात्म को बहुत नुकसान हुआ। एक नितांत ऋषि जो था वो राजनीति में थोड़ा खो गया, समय के अभाव से। उनकी सात्विकता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन ऋषि के पथ पर चलने वाला व्यक्ति यदि राजनीति करने लगे तो स्वाभाविक है वो यहां जो समय दे पाता था वो नहीं दे पाता। लेकिन हां, गांधी जी ने जो गीता का अध्ययन किया वो विनोबा की कृपा से किया। गांधी जी की जो समझ हुई भगवत गीता की, संस्कार थे, वैष्णव परिवार में जन्मे थे, लेकिन भगवत गीता की स्पष्ट समझ जो हुई उनकी, वो विनोबा के संग के कारण हुई। विनोबा कहते थे कि रामायण और महाभारत हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं, उनके पात्र हमारे जीवन में एक रूप हो गए हैं। रामायण एक मधुर नीति काव्य है और महाभारत एक व्यापक समाज शास्त्र। ये शब्द विनोबा जी के हैं। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में महर्षि व्यास ने अद्भुत चरित्रों का आलेखन किया है और उसमें एक बात उभर कर स्पष्ट आती है कि संसार में संपूर्ण निर्दोष तो एक केवल परमात्मा है, उसके सिवा कोई नहीं। व्यास जी की ये प्रामाणिकता है। अब महाभारत पढ़ो तो पता चलेगा, उन्होंने युधिष्ठिर अर्जुन जैसों के दोष बताए हैं और दुर्योधन शकुनी जैसे के गुण भी बताए हैं। लाइफ इज नॉट टोटली व्हाइट एंड इट इज नॉट टोटली ब्लैक, लाइफ इज एन एक्सटेंशन ऑफ ग्रे, ये महाभारत सिखाता है। मनुष्य के स्वभाव क्या है, वो एक्सट्रीम पे जीता है।
थप्पे लेकर जीता, ये सही ये गलत, ये योग्य ये अयोग्य। हमारे हाथ में ये रबर स्टैंप थमाए किसने? हम क्यों इतने जजमेंटल हो जाते हैं? सीधा सही और गलत यही होता है, बीच में कुछ होता ही नहीं। लाइफ इज एन एक्सटेंशन ऑफ ग्रे। प्रिय स्वजनों, याद, ये महाभारत बताता है। युधिष्ठिर जिसको हमने धर्मराज कहा, उनके दोष बताए हैं, और दुर्योधन को या तो धृतराष्ट्र के गुण भी बताए हैं। इसलिए जीवन की वास्तविकताओं को छूने वाला ग्रंथ है महाभारत। और इतने विशाल महाभारत में 1,00,000 श्लोक जो हैं, उसमें व्यास जी का संदेश क्या है? कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर महर्षि व्यास को समाधि लग गई होगी, आनंद आ गया होगा? कोई भी कलाकार होता है, एक गीत बार बार गाए, लेकिन कभी कभी कोई कार्यक्रम में हो ना, तो उसको कलाकार को स्वयं आनंद होता है कि आज वही गीत मैंने बहुत सुंदर गाया। ऐसे तो 50 बार गा चुका है वो गीत। या तो कोई साहित्य सर्जक कवि 5, 10, 15 काव्य संग्रह प्रकट हो चुके हो उसके, लेकिन उससे पूछा जाए कि तुम्हारी अपनी पसंद की पंक्तियां कितनी, काम थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। लेकिन यदि पूछा जाए तो वो 5-7 पंक्तियां सुनाएगा कि सारे काव्य संग्रह यदि चले जाए, लेकिन मैं यदि मुझे समाज याद रखे तो ये 5 पंक्तियों की वजह से मुझे याद रखे। सूर्य सामे एक आछू स्मित कर एवं सजनवा, थई पड़े मुश्किल एने त्या टकी रहू सजनवा। મને બહુ ગમે છે, આપની પોતાની અંગત છે કે નહીં મને ખબર નથી, પણ વ્યાસ મહર્ષિ કો કહાં સમાધિ લગી હોગી? તો વો સ્થાન હૈ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા। મહાભારત કા સારભૂત રહસ્ય હૈ, એસેન્સ હૈ। जीवन के विकास के लिए, और हमारा जो विषय है सेमिनार का, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, जीवन प्रबंधन के लिए जितने भी आवश्यक विचार हैं वो आपको श्रीमद् भगवद गीता में से मिलेंगे। जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता में न हो। अनुष्ठान के रूप में कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, और पिछले 30 वर्षों में विश्व भर से जो फीडबैक मिले हैं, जो बरसों तक प्रवचन सुनते आए हैं एक साधक के रूप में, उनके फीडबैक अनुभव से कहता हूं, प्रिय स्वजनों, भगवद गीता की पुस्तक को यदि आपने घर में रखा होगा, और मूल ग्रंथ, यह भी बता दो, कई लोग भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता एज इट इज कहके बांटते हैं, लेकिन वो एज इट इज नहीं होती। मैं मूल ग्रंथ कहता हूं, कृष्ण के जो विचार है, किसी संप्रदाय के विचार नहीं। कोई दीवारें खड़ी करने के लिए बनाई गई बातें नहीं। भगवान श्री कृष्ण के जो शब्द हैं वो, कोई भी पेज एक खोलिए और उस पेज पे जो श्लोक होंगे उसमें से आपकी समस्या का हल अवश्य मिल जाएगा। यह भगवद गीता की शक्ति है। शर्त यह है कि संपूर्ण गीता का आपको ख्याल होना चाहिए, अध्ययन किया होना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, कृष्ण जिस तरह से आपको सुझाव देते हैं, एंड इट्स टोटली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। स्वाभाविक है, समस्या होगी तो पहले तो आप खुद चिंतन करोगे, आसपास के लोगों से पूछोगे, कोई ये ओपिनियन देगा, ये सुझाव देगा, और कृष्ण के पास जब बैठोगे इतना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगा, वो आप विजयी बनकर आओगे।
इसलिए गीता के अंत में संजय ने कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पर श्री संपत्ति है, विजय है और समृद्धि है, भूति समृद्धि है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है। संजय कहता है ये मेरी स्थिर मति है, आई एम क्वाइट कन्विंस्ड अबाउट इट। और ये वास्तविकता है, नहीं तो कोई ग्रंथ 5000 वर्ष तक टिके? स्वजनों, विश्व भर के जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंशिया ऑफ द वर्ल्ड, वो आज भगवद गीता के प्रति आकर्षित हैं। और दूसरे क्रम पे आता है जैन। गीता में जब प्रसंग आएगा कभी कभी जैन के दृष्टांत भी दूंगा। और चिंतन करने पर पता चलता है कि गीता और जैन दोनों अलग नहीं हैं। जैन बेसिकली ध्यान प्रक्रिया है, संस्कृत शब्द है ध्यान, जो भगवद गीता के 6 अध्याय में आत्मसंयम योग में बताया गया। अब ये ध्यान भी ये लोगों ने आज के जमाने में, मार्केटिंग के जमाने में, सभी शब्दों को इतने सस्ते कर दिए हैं, क्योंकि हर तीसरे खंभे पे एक दाढ़ी लटक रही है मेडिटेशन सिखाने के लिए, इतना कमर्शियल कर दिया। सैटरडे संडे आ जाओ, ध्यान सीख लो बस, और वो भी पिरामिड सिस्टम से। ये चीटिंग करने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे ध्यान नहीं सीखा जाता। ये क्रिया वो क्रिया वाले लोग ये ध्यान नहीं सिखाते, वो ध्यान के नाम पे केवल अपना माल बिकर बेच रहे हैं, क्योंकि शुरुआत ध्यान से करेंगे फिर दुकानें लगा देंगे, बिस्किट भी हमारे खाओ, अगरबत्ती भी हमारी जलाओ। अब भले आदमी ध्यान से इसका क्या लेना देना, और फौज पूरी समाज में उतार देते हैं, बेचो बस सेल, हर नुक्कड़ पे ध्यान बेचने वाले खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये ध्यान नहीं है, इसलिए बहुत संभाल के बोलने पड़ते हैं ये शब्द। भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा एक पड़ाव है ध्यान। भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया है, आत्मसंयम योग। वो ध्यान शब्द वैदिक परंपरा के जो लोग थे वो तो भूल गए, उसकी महत्ता को नहीं समझ पाए, विशेष क्रियाकांड में मग्न हो गए। लेकिन बुद्ध ने उसको पकड़ा, शून्यत्व पर जाने के लिए, निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए ध्यान की महिमा को बुद्ध ने पकड़ा और इतना महत्व दिया। बुद्धिज्म फिर चाइना में गया, चीन में गया, तो ध्यान चाइनीज भाषा में बन गया च्यांग, और वो चाइना से फिर नीचे डाउन साउथ में उतरा, जापान में पहुंचा, जैन बन गया। ध्यान च्यांग जैन, तो जैन और कुछ नहीं, ध्यान की परंपराएं उन्होंने अपने अपने रूप में विकसित की। जैन की बड़ी प्रसिद्ध है टी सेरेमनी, चाय बन रही हो और जैन बहुत भीड़ भाड़ में नहीं होता, 10-12 लोग तो बहुत हो गए। ये जो होलसेल में ध्यान कराते हैं ना, वो वैसे ध्यान होता ही नहीं, प्रथा ही गलत है, वो ध्यान समझे ही नहीं क्या है ध्यान। महासत्संग करके और ध्यान, अरे बड़े आदमी, 10,000 लोगों में ध्यान होता है कभी? एक दूसरे का ध्यान रखेंगे केवल। और स्टेज ऊपर जो आया है आधा पुरुष आधी स्त्री जैसा,
समझने वाले समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो केवल इतना ही ध्यान रखेगा कि मेरे तरफ कौन देख रहा है, ऐसे ध्यान होता है। छोड़ो, 10-12 लोग तो बहुत हो गए। टी सेरेमनी, कमरे के बीच में स्टव के ऊपर चाय उबल रही है और इतने धीरे सबको कहा जाए बस देखो इसको, देखते रहो और कोई विचार मन में ना हो, केवल चाय। बस चाय उबलती है, अपने अपने बोल में परोसी जाती है कटोरे में और धीरे से उसको पीते जाओ। ये टी सेरेमनी में 4 घंटे लगते हैं लेकिन वो 4 घंटे का ध्यान है जेन में। मैंने इसे बहुत सरल बना के कहा है, आप कहोगे 4 घंटे में चाय पी के ध्यान हो जाएगा, नहीं वो इतना सरल नहीं है, उसमें पूरी प्रोसेस है। लेकिन वो ध्यान जो भगवद गीता के 6वें अध्याय में है, इसका अर्थ ये हुआ प्रिय स्वजनों कि आज पूरे विश्व का जो बुद्धिमान वर्ग है, चाहे उसकी कोई भी नेशनलिटी हो, चाहे उसकी चमड़ी का कोई भी कलर हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे उसका अपना जन्मजात या पारिवारिक कोई भी धर्म से संबंध हो, लेकिन जब बुद्धि के क्षेत्र में आता है, जीवन के रहस्यों को समझने की जिज्ञासा उसमें जब जागृत होती है, तब उसको संतोष केवल मां भगवद गीता के पास से मिलता है। और इसी कारण आज श्रीमद् भगवद गीता के विश्व की 127 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ। इट इज ट्रांसलेटेड इन मोर देन 127 लैंग्वेजेस। ऐसे बाइबल का अनुवाद 170 भाषाओं में हुआ है, 170। लेकिन फर्क यह है कि बाइबल का अनुवाद जो कराया गया है वो एग्रेसिव कन्वर्जन के हेतु से कराया गया, पेड लोगों के द्वारा कराया गया है, पैसे दे करके कि ये तुम्हारी भाषा में अनुवाद कराओ इसका ताकि हम पहुंचाए। गीता के 127 अनुवाद हुए, उसमें किसी ने किसी को 1 रुपया दिया नहीं। जिन जिन लोगों ने अनुवाद किया प्रेम से किया, किसी न किसी कारण से वे भगवद गीता के परिचय में आए, प्रभावित हुए और उनको ऐसा लगा कि ऐसे दिव्य विचार तो मेरी भाषा के लोगों को भी मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने सेल्फ मोटिवेटेड निष्काम कर्मयोग की भावना से उसका अनुवाद किया और अपनी भाषा तक पहुंचाया। इसलिए ये 127 अनुवाद भी बड़े मूल्यवान है। दो वर्ष पहले मिडल ईस्ट में शेख फैमिलीज के द्वारा भगवद गीता का अनुवाद अरेबियन लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में किराया कराया गया और शेख के द्वारा प्रेम से, पैसा देकर नहीं, भाड़े से नहीं, प्रेम से, और कई भाषाओं में हुआ है। तो ये महत्ता है भगवद गीता की। इस भूमिका के साथ हम तो वैदिक सनातन संस्कृति की संतान हैं। भगवान शंकराचार्य जी चरपट पंजरी का स्तोत्र में पुनर्दर्शनाय च, जितलो समय मळे भगवान शंकराचार्य जी ने चरपट पंजरी का स्तोत्र में कहा है, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रै करणे। थोड़ा सा भी यदि भगवद गीता का अध्ययन कर लिया, भगवद गीता किंचित धीता, वो मृत्यु के भय से बच जाता है। ऐसी
उसी में भी आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गेयम गीता नाम सहस्रम, गीता को गाओ, अध्ययन करो उसका, और नाम सहस्रम विष्णु सहस्र नाम, ये निरंतर इसका अध्ययन करते रहो। गीता के महात्म्य का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषद मानो गाय है। अब ये भी समझा दूं, बुद्धिमान वर्ग मेरे सामने है, पढ़े लिखे लोग, नई पीढ़ी, हमारे जो वेद है वो दुनिया का सबसे प्राचीन एंड द मोस्ट ऑथेंटिक विजडम है, ज्ञान है। ये बात केवल भूपेंद्र भाई पंड्या यदि कहें तो उसका अस्वीकार करने का आपको अधिकार है। आप बहुत बुद्धिमान हो, पढ़े लिखा, आप कह सकते हो ये महाराज लोग तो ऐसा ही बोलते रहते हैं। लेकिन विश्व भर के जब यूरोपियन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के गोरे इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेसर्स रिसर्च स्कॉलर्स जब ये कहें, तब तो फिर मानना पड़ेगा ना। ये हमारी बुद्धि आजकल ऐसी है कि हमारा कोई आदमी आकर के कुछ कहे ना बात तो हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन वहां इंपोर्टेड हो, मैं कुछ वो 5-7 वो नाम डाल दूं तो आप कहोगे वाह। बाय द वे, श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन चार्ल्स विल्किंसन ने किया था, आज से 160-170 साल पहले। चार्ल्स विल्किंसन आया था तो यहां नौकरी करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उस समय का जो वाइसरॉय था उसका पर्सनल सेक्रेटरी था। लेकिन वो वाइसरॉय, कहीं उसने सुना कि ऐसा ग्रंथ यहां पर है भारत में भगवद गीता नाम का, उसको इतनी जिज्ञासा हुई कि अपने असिस्टेंट चार्ल्स विल्किंसन को उसने भेजा कि तुम जाके बनारस में संस्कृत पढ़ो। 7 वर्ष तक चार्ल्स विल्किंसन में बनारस में रहकर के संस्कृत पढ़ी। वो गोरा ब्रिटिश, और याद रहे उस समय इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, गुलाम देश था, ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे। उस समय वो गोरा बनारस में जाकर 7 वर्ष तक संस्कृत पढ़ा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हम क्या कहते हैं, गीता वो तो संस्कृत में है, वी डोंट नो संस्कृत। अंग्रेजी आ गई, संस्कृत नहीं आती। मौसी का दूध पीने चले, मां को भूल गए। तो ये गोरा अंग्रेज संस्कृत पढ़ा और उसने भगवद गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया है। दैट इज द फर्स्ट अवेलेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता। अमेरिका से लोग बड़े प्रभावित हैं आजकल। क्यों? मैं तो पिछले 25 वर्षों से जाता हूं, वर्ष में कई बार 2-2, 3-3 बार जाता हूं, तो ट्रिप्स गिनोगे तो बहुत ज्यादा हो गई होगी। बीच में 1-2 वर्ष ऐसे थे कि साल में 5 बार गया, तो मेरे नजदीक के लोगों ने कहा गुरुजी पास निकलवा लो अमेरिका का, प्रसंग पड़ा, जरूरत पड़ी, जाना पड़ा। अमेरिका में लोगों को क्यों अच्छा लगता है, पूरी दुनिया को ऐसा लगता है, डेस्टिनेशन है अमेरिका के। क्यों? क्योंकि वहां का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है फ्रीडम, स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता का विचार अमेरिका को जिसने दिया वो है इमर्सन। ही वॉज अ पोएट एंड फिलोसोफर। इंग्लिश लिटरेचर का अभ्यास किसने किया होगा तो उनको पता है इमर्सन। अमेरिका के ऊपर इमर्सन के विचारों का प्रभाव बहुत है।
इनफैक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो उसमें भी इमर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहा, इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिशियन नहीं था वो, लेकिन वो स्वतंत्रता की बात यह इमर्सन ने जब भगवत गीता पढ़ी, पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद उस दिन उसने अपनी डायरी में लिखा है कि जब कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग भी साथ में चलता है। एक नॉवेल भी यदि आप पढ़ो ना तो आपका दिमाग साथ में चलता है कि ये सही कहा, ये गलत कहा, ये ठीक है, ये नहीं है, ये मजा नहीं आया है। अब 3 घंटे की मूवी भी देखने जाओ तो भी उसमें ओह दिस इज गुड, दिस इज नॉट राइट। उस मूवी में उस हीरोइन ने 50 कपड़े पहने होंगे अलग अलग, तो उसमें से 5 डिजाइन आप अप्रूव करोगे, 3 डिजाइन को यक्स ऐसा पहनती है, तुम्हें पूछने आई थी वो नहीं। लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना ओपिनियन हमेशा आ जाता है बीच में, कुछ भी आप जब देखते हो पढ़ते हो। अब सामान्य व्यक्ति का भी ये जो ओपिनियटेड माइंड है, अपना अभिप्राय देने का जो स्वभाव है उसका, तो ये तो इमर्सन जैसा व्यक्ति कितना बुद्धिमान, वो स्वयं इतना साहित्य सर्जक, फिलोसोफर, कवि, क्या उसका वो ओपिनियन वाला माइंड नहीं चलता होगा। भगवत गीता पूर्ण पढ़ने के बाद इमर्सन ने कहा, दिस इज द फर्स्ट एंड प्रोबेबली द ओनली बुक इन माई लाइफ जिसको पढ़ते समय एक भी विचार के साथ मैं असहमत हूं ऐसा मुझे नहीं लगा। आई एग्री टोटली विद दिस थॉट्स। ये गीता की महिमा। और उसने लिखा कि सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि यहां पर इतना श्रेष्ठ ज्ञान देने के बाद भी श्री कृष्ण अपने आप को थोप नहीं रहे। ही डजंट इंपोज हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि आई एम सजेस्टिंग यू दिस। प्रिय स्वजनों याद रखना, आज जो रेबेल नेचर आया है ना समाज में, क्यों आया है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अपने विचारों को, अपने आइडियाज को थोपना चाहता। पिता अपने पुत्र से कहता है मैं ये कह रहा हूं यही करो, मां अपनी पुत्री से कहती है मैंने कहा इसलिए हो जाना चाहिए, सास अपनी बहू से कहती है हमारे घर में तो हमेशा यही होता आया है यही करो, बड़ा भाई छोटे भाई से कहेगा यही करो, बड़ी बहन छोटे बहन से कहेगी ऐसा ही करो, पति अपनी पत्नी कह सकता है। कोशिश तो यह होती है कि यही करो, पत्नी अपने पति से कहेगी यही करो, आई लव यू सो यू मस्ट डू दिस। ये सब जगह पे सारे जो रिलेशन है, और जैसे ही रिलेशन में क्लोजनेस आई, आत्मीयता आई, कि तुरंत अपने आप को थोपना शुरू कर देते, तुम मेरे हो इसलिए तुम्हें यही करना पड़ेगा। जैसे मेरी बात मानो, दैट इज योर सर्टिफिकेट दैट यू आर एक्सेप्टिंग मी एंड यू लव मी, एंड इफ यू डोंट बिलीव व्हाट आई से आई फील दैट यू आर रिजेक्टिंग मी। पति यदि कहे पत्नी से कि ये करो और पत्नी कहे नहीं आज नहीं करना है, तो पति को ऐसा लगता है कि पत्नी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ी समस्या बन जाती है। विचार थोपे जाते हैं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। सूरत में नहीं होता होगा, बाकी पूरी दुनिया में हो रहा है। इमर्सन कहते हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, और कहीं पर भी ये कृष्ण अपने आप को थोपते नहीं है। ही डजंट इंपोज हिमसेल्फ। ये कितनी महानता है, सामने वाले की बुद्धि पर भरोसा रखना। भगवद गीता का उपदेश जब पूरा हो जाता है 18वें अध्याय में, तो उसके 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से,
इन द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति इति का अर्थ संस्कृत में होता है एंड दस। ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने तुझे ज्ञान दिया। कैसा ज्ञान है? गुह्यात गुह्यतरम, मोस्ट सीक्रेटिव ऑफ द सीक्रेट नॉलेजेस। ऐसा मैंने श्रेष्ठ, अपने ज्ञान की महत्ता अवश्य बताते हैं कि मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ ज्ञान है अर्जुन। लेकिन विमृश्य तद अशेषेण, ए तद अशेषेण विमृश्य, इस ज्ञान को तू संपूर्ण रूप से अशेषेण टोटली विमृश्य चिंतन कर, मनन कर, तू सोच उसके बारे में और फिर यथेच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। कितनी बड़ी स्वतंत्रता, इतना श्रेष्ठ ज्ञान देने के बाद भी ये स्वतंत्रता। डू व्हाट यू फील राइट, यू डोंट हैव टू डू इट जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू टू डू सो। ये स्वतंत्रता बहुत बड़ी स्वतंत्रता, नहीं तो सारे विश्व में आप देखो धर्म के क्षेत्र में क्या होता है। पाप का डर दिखाकर या पुण्य की लालच देकर, नरक का डर दिखाकर या स्वर्ग की लालच देकर, शाप का डर दिखाकर या वरदान की लालच देकर काम कराए जाते। ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे पाप लगेगा। हम जो कह रहे हैं वो करो तो स्वर्ग में जाओगे, और हम जो कह रहे हैं वो नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे डरा धमका करके सब कराया जाता है लोगों के पास। एकमात्र श्री कृष्ण है भगवत गीता में जो इतना श्रेष्ठ ज्ञान देने के बाद भी कहते हैं यथेच्छसि तथा, तू सोच इसके ऊपर और तुझे जो ठीक लगे वो कर। सामने वाले की बुद्धि पर कितना भरोसा रखा है कि तुम भी बुद्धिमान हो, सोच लो। इमर्सन को यह बात बहुत अच्छी लगी और ये फ्रीडम का आइडिया जो पूरे अमेरिका पर है। तो आपको जो थोड़े गोरे लोगों के नाम चाहिए थे मैंने दे दिए ताकि आप गीता की महिमा को समझ पाओ। ऐसे तो कई विचार पुरुष हैं। सर्वोपनिषदो गावो, सारे जो तो हमारा सबसे, हमारा मतलब पूरी सृष्टि का, ये रिसर्च स्कॉलर्स ने बताया है पूरी सृष्टि का जो श्रेष्ठ और ओल्डेस्ट ज्ञान जो है वो वेद है। हम भारतीयों को इस बात का गौरव होना चाहिए कि ऐसे तो होमो सेपियन मानव जाति दुनिया में 5 अलग अलग जगह पे आई है। जूलॉजिस्ट जो संशोधन करके कहते हैं, साउथ अमेरिका जिसको कहते हैं वहां पर आई वो मायन कल्चर, अमेरिका में रेडिडियन कल्चर आया, अफ्रीका में जो काले लोग हैं, क्योंकि देखो आप वो अलग अलग बिल्कुल अलग दिखते हैं मनुष्य, यूरोप में एक मानव संस्कृति का विकास हुआ और एशियन जो हम हैं वहां पर एक मानव संस्कृति आई, फिर चाइनीज ऑस्ट्रेलिया में भी वहां पर एबोरिजिनल्स हैं। ये मैं गया हूं, मैंने देखा है इन लोगों को, बाद में बोल रहा हूं वहां के लोग, और इतनी अलग 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 संस्कृतियां हैं, इतने अलग अलग दिखावे में भी अलग अलग। एक गोरे को रखो, एक अफ्रीकन को रखो, एक एशियन को रखो, एक रेड इंडियन को रखो,
गुरु दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग तरह से उत्पन्न हुए, लेकिन इतनी सारी संस्कृतियां जो आई विश्व में, उनमें श्रेष्ठ ज्ञान यदि किसी ने पाया होगा तो भारतीय संस्कृति में पाया गया है, हमारे ऋषियों ने पाया है, और वो वेद में आया है। गौरव होना, इस ताली भोजन मिलेगा बाद में, आप चिंता मत करो। अरे गौरव होना चाहिए। टीवी पे आप देख रहे हो, पेलो एक हम भाड़ूती फोर मारे तो तुम्हें हा करो, इतनी बड़ी बात कि हमारे ऋषियों ने ये ज्ञान दिया और उस ऋषियों की हम संतान। गौरव होना चाहिए, सीना तन जाना चाहिए, लेकिन ये समस्या, ये कहना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, हम तो वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर बैठे हैं, देख के वहां क्या हो रहा है, वहां जो फैशन आए वो हम कह, वहां का कोई नाचने वाला गाने वाला हो उसके ताल पर हम नाचें, वहां की लाइफस्टाइल हम इंपोर्ट करें। हमारे ऋषियों ने तो ये वेद का ज्ञान, वेद के बाद फिर लेटर वेदिक एज में आया उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ भी समझ लें, उप नी सद, उप का अर्थ है नजदीक, क्लोज, नी नम्रता से, सद बैठना, किसी ज्ञानी महापुरुष के पास नम्रता से बैठना, और जो संवाद होता है, जो डायलॉग होता है, उसे कहते हैं उपनिषद। सारे उपनिषद ऐसे कुल 108 हैं, उसमें 10 मुख्य हैं, ईशकेन कठ, ये सब। तो सारे उपनिषद मानो गाये हैं, सर्वोपनिषदो गावो, और दुग्धा गोपाल नंदन, जैसे भगवान श्री कृष्ण वो तो है ही ग्वालिये, उन्होंने ये उपनिषद रूपी गैया को दुहा, दुग्ध निकाला, किसके लिए? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, अर्जुन जैसे बछड़ा है उसके लिए वो दूध दुहा है कृष्ण ने। दुग्धम गीतामृतम महत, ये गीता रूपी दूध अमृत उन्होंने दुहा है। प्रिय स्वजनों, हमारे समाज में एक मान्यता है कि दूध यदि गिर जाए ना, उबल कर चला जाए, या तो गिर जाए, ढोड़ाई जाए, तो उसे अपशगुन मानते हैं। एम आई राइट? दूध यदि गिर जाए तो उसे अपशगुन माना जाता है। संसार का ये दूध आपका जो है ना, घर में थोड़ा सा गिर गया तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा 20 25 50 रुपए का आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन ये गीता रूपी दूध यदि गिर गया तो पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को नुकसान होगा, पूरी मानव जाति को नुकसान होगा। और दुख की बात यह है कि आज उस समय में हम खड़े हैं जब ये दूध गिर रहा है और किसी को उसकी फिक्र भी नहीं, भूले जा रहे हैं लोग। दुग्धम गीता, कम से कम हम सब बधाई के पात्र हैं कि हम इस दूध की महिमा को समझे हैं, और हमने तय किया है कि इस दूध को, इस अमृत को हम व्यर्थ बह जाने नहीं देंगे, हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे, हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। और इसलिए इतना तो तय हो गया कि आने वाले 18 वर्ष तक तो दूध सुरक्षित है, फिर आगे की पीढ़ी सोचे। मैं दुनिया भर में, कनू भाई, जब पहला सत्र होता है ना, और जो संगठन के लोग हैं उनके साथ में बैठता हूं, तब कहता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसमें सम्मिलित हुए, इस
पूरे आयोजन में कि हम भी साथ में हैं, इसका अर्थ आपने 18 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट कन्हैया भाई वसावा के साथ या अनुराधा के साथ या भूपेंद्र भाई पंड्या के साथ नहीं किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने भगवान श्री कृष्ण के साथ किया है। और पारस्परिक जिम्मेदारी होती है ना, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर होते हो तो दोनों को शर्तें लागू होती है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों को निभाना पड़ता है। तो भगवान से कहो कि प्रभु हमारी ओर से तो कोई कमी नहीं होगी, भगवान कहेगा तो फिर मेरी ओर से कमी का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका अर्थ 18 वर्ष तक हमें जीवित रखना, इतना ही नहीं हेल्दी रखना, बुद्धि चलती रहे ऐसा रखना, ये कृष्ण की जिम्मेदारी हो गई। अब और मैं विश्व भर के अनुभव से कहता हूं कि भगवान तो अपना कॉन्ट्रैक्ट निभाते हैं इतनी अच्छी तरह से। कृष्ण विनोबा भावे कहते हैं, मेरा शरीर अपनी मां के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ है। और जहां पर हार्दिक संबंध होता है वहां तर्क की गुंजाइश नहीं होती। तर्क को काट कर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखों से मैं गीता रूपी गगन में यथाशक्ति उड़ान भरता रहता हूं। विनोबा भावे कहते हैं, तर्क को काट कर, शब्दों पे ध्यान दें, तर्क है ना, कभी कभी कुतर्क वितर्क हो जाते हैं, श्रद्धा और ब्लाइंड फॉलोइंग में इसलिए कहा प्रयोग की पंख से। तर्क करने वाला व्यक्ति क्या कहता है, केवल आर्ग्यूमेंट करते रहता है, नहीं आप ऐसा है, नहीं ऐसा है, नहीं हम, आप उसको समझाते जाए, नहीं नहीं नहीं, और अल्टीमेटली उसको लगे कि कोई तर्क अब बाकी नहीं बचा है, तो यू मे बी राइट बट आई डोंट थिंक सो। अब इसका तो कोई उत्तर नहीं, तुम्हारी बात सही है लेकिन मैं नहीं मानता, इसको क्या उत्तर दो। तर्क कहीं पर नहीं पहुंचाता आपको, प्रयोग। भगवद गीता ने क्या कहा, बात यदि स्वीकार न हो तो उसके ऊपर प्रयोग करो आप, और आचरण से उसको प्रमाणित करो, फिर इसको सिद्धांत के रूप में स्वीकार करो। ये तो ऐसी बात है, मां ने प्रेम से कोई अच्छी आइटम बनाई है और थाली में रखी, बेटी पूछती है ये किससे बना, मां कहते तुम खाओ तो से, नहीं पहले बताओ किससे बना, बैंगन। अरे केवल बैंगन से, ये आइटम तो देखो तुम कैसी बनी है, क्या है, नहीं मुझे बैंगन अच्छे नहीं लगते। क्यों भाई अच्छे नहीं लगते, बैंगन में ऐसी क्या चीज है तुम्हें अच्छी नहीं लगती। और यदि ये न कहते कि बैंगन है तो खा लेते, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, माताओं का अनुभव है, बालक छोटा होता है ना 4-5 साल का, जो परीक्षित जैसा, उसे रोटी और सब्जी दो तो नहीं खाएंगे, लेकिन वही सब्जी को रोटी में रोल करके, रोल बेटा वेज रोल, हाँ तो वेज रोल खा लेता है। रोटी से बात तो वही है लेकिन वहां सब्जी खुली दिखती थी, यहां अंदर आ गई तो चबा लेता है, फर्क ये, प्रयोग करो, तर्क पे रुक मत जाओ। आज बड़ी समस्या यह है कि लोग तर्क को ही बुद्धि समझने लगे, तर्क से बुद्धि का कोई संबंध नहीं, बुद्धि तो प्रयोग करती है और निर्णय करती है। विनोबा जी कहते हैं कि श्रद्धा और प्रयोग की पांखों से मैं
गीता रूपी गगन में उड़ान भरते रहता हूँ। मैं प्रायः गीता के वातावरण में रहता हूँ, गीता मेरा प्राण तत्व है, और जब मैं गीता की बातें दूसरे से करता हूँ तो मैं गीता सागर पर तैरते रहता हूँ, और जब अकेले रहता हूँ तो उसी अमृत सागर में गहरी डुबकी लगा कर बैठ जाता हूँ। प्रिय स्वजनों, ये गीता के उपदेशक हैं भगवान श्री कृष्ण। गीता का उपदेश जिसने श्रवण किया, जिसने सुना, वो सुनते समय अर्जुन इतना एकाग्र हो गया कि उसे भी कृष्ण संज्ञा मिली, उसे भी कृष्ण नाम मिला। कहने वाला कृष्ण, सुनने वाला कृष्ण, और भगवान और भक्त का इस संवाद जो है, यह संवाद जो है उसको लिखते समय महर्षि व्यास भी इतने तन्मय हुए कि उनको भी कृष्ण नाम से जाना गया। कहने वाला कृष्ण, सुनने वाला कृष्ण, लिखने वाला कृष्ण, इतनी समरसता, ऐसी एकाग्रता से हम भी श्रीमद् भगवद गीता का यदि अध्ययन करें तो हम भी कृष्णमय हो सकते हैं, और ये यदि हो जाए यही हमारे जीवन का धन्य अनुभव होगा। इस दिव्य अनुभव की ओर आइए, व्यासपीठ आपका स्वागत करती है। भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक पुस्तक आपके पास है, एक एक चरण हमारी शैला बहन बोलेगी, बड़ा सुंदर स्पष्ट उच्चार और मधुर कंठ में वो भगवद गीता के एक एक श्लोक का पारायण कराएगी। वो एक एक चरण बोलेगी, आपको उसके बाद रिपीट करना है, पुनरावर्तन करना है। जैसा मैंने कहा, ये क्लासरूम है और सेमिनार है, तो क्लासरूम में जैसे आप अपेक्षा रखते हो ना कि आपके संतान जब स्कूल में जाए तो कितनी एकाग्रता से पढ़े, घर से कहते हो ना टीचर पढ़ाए तब एक ध्यान से बैठना बेटा, सुनना, इम्पोर्टेंट नोट्स सब लिख लेना, तो जो आप अपने संतानों को सिखाते हो वो यहां पर आपको करना है। आओ बहना शैला। धृतराष्ट्र उवाच। नहीं, ये आवाज नहीं, इतनी तो बहुत कम पड़ेगी, नहीं चलेगी। मैं मुंबई से आया हूँ, बहना शैला मुंबई से आई है, हमारे संगीतकार वृंदावन से आए हैं, शैला बहन के हस्बैंड उदय भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग और आप। हैं? ये नहीं चलेगा। उत्साह से, प्रिय स्वजनों, मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं, यदि वैदिक सनातन संस्कृति और ऋषियों की विचारधारा के प्रति आदर हो तो आपको एक गौरव होना चाहिए। किसी 5 साल के पिंटू की बर्थडे में जाते हो तो कितना आपको उत्साह होता है, बर्थडे में जाएंगे, ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इससे बातों की ये होगा। अब ऐसे जाते हो वहां बर्थडे में, अब 5 साल के पिंटू की बर्थडे में केवल वेफर और सैंडविच खा के वापस आना है, और जूठी केक 10 लोगों के मुंह को लगी हुई। यहां पर भगवान श्री कृष्ण का गीतामृत पाना है, अमृत पीना है, तो उसके लिए उत्साहित होना पड़ेगा। हमें गौरव होना चाहिए कि वी आर चोजन बाय गॉड। भगवान श्री कृष्ण का कितनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें यह ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। ये जैसे कोई SSC तक स्कूल में पढ़ा और पहली बार कॉलेज में जाए ना तो कैसा उसको लगता है, कॉलेज का पहला दिन, वाह वट पड़ी देशो। ऐसा हमारे भीतर होना चाहिए कि भले ये अवस्था में भी, और काफी लोग यंगस्टर्स हैं यहां पर, उत्साह से भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को
महर्षि व्यास के शब्दों को हमें दोहराना है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा पुस्तक हाथ में रखिएगा, देखिए एक एक शब्द। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में, ये सप्तम विभक्ति है, क्षेत्रे धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में समवेता, समवेता का अर्थ है इकट्ठे हुए लोग। कौन है ये लोग? युयुत्सवः, युयुत्सु का अर्थ है लड़ने की इच्छा जिसमें है, और युयुत्सवः बहुवचन है, बहुत सारे लड़ने की इच्छा वाले इकट्ठे हुए जो हैं लोग, कौन है वे? मामकाः पांडवाः च एव। मामकाः का अर्थ है मेरे, मेरे पुत्र, और पांडवाः पांडु के पुत्र। उन्होंने च का अर्थ और, किम अकुर्वत हे संजय, उन्होंने किम, किम का अर्थ है क्या, अकुर्वत किया। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसको जरा समझे। प्रश्न क्या है? यदि धृतराष्ट्र स्वयं कहते हैं कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में युयुत्सवः समवेता लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, तो धृतराष्ट्र को पता है कि क्यों इकट्ठे हुए हैं, लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, तो फिर वो क्यों पूछ रहा है प्रश्न, किम अकुर्वत, क्या किया उन्होंने? भले आदमी, जब तुम ही कह रहे हो कि लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं तो लड़ेंगे, कोई पिकनिक मनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं ये लोग, क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। आप स्वयं जब कह रहे हो कि युत्सवः समवेता लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए, तो फिर क्यों पूछते हो कि क्या किया उन्होंने? धृतराष्ट्र के यही प्रश्न में भगवद गीता की नींव है, फाउंडेशन है। धृतराष्ट्र के इसी प्रश्न में पूरे महाभारत की कथा का सार है। ऐसे तो आप सबने महाभारत ग्रंथ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन टीवी सीरियल देखी होगी, और अब तो वो इतना प्रचलित विषय हो गया है कि हर साल में कोई ना कोई महाभारत, महाभारत या तो उसका एक हिस्सा लेकर के कृष्ण कर्ण, पता नहीं किसी ने शकुनी बनाई कि नहीं, तो बनाएगा कोई, उनको तो चाहिए ना बेचने के लिए कुछ, तो अलग 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 बनाते रहते हैं। इससे एक अच्छा हुआ, कहानियां लोगों को पता चल गए, तो पहले कहानियों का वर्णन करने में इतना समय चला जाता था, क्योंकि वो पात्र ही सब युधिष्ठिर बोलो तो लगता था कहां की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सबको कैरेक्टर्स पता है, मोटा मोटी प्रसंग भी पता है। हाँ, कंफ्यूजन है, क्योंकि एक सीरियल वाला एक बताता है, दूसरा वाला दूसरा बताता है, तीसरा वाला तीसरा बताता है, क्योंकि उसको तो मसाला बनाना है ना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है,
ताकि आप एपिसोड के बाद एपिसोड देखते रहें। उसको शास्त्र कहां दिखाना है आपको, उसको तो एंटरटेन करना है। तो ये भी मैं कह दूं, कभी कभी वो प्रश्न आते हैं, वो टीवी सीरियल में ऐसा बताया था, मैंने कहा टीवी सीरियल के प्रश्न मुझसे मत पूछो, शास्त्र के प्रश्न पूछो, क्योंकि मैं इस टीवी सीरियल देखता नहीं हूं और टीवी सीरियल वाले क्या बताते हैं उसके ऊपर उत्तर देने के लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो तो कुछ भी बताएंगे, तो वो कोई आधार नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी द बेस। हाँ, ग्रंथ की बात करो तो अवश्य मैं समझाऊंगा आपको। प्रिय स्वजनों, धृतराष्ट्र जब पूछता है कि लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे बेटे और पांडु के बेटे मामकाहा पांडवाहा चैव किम अकुर्वत, क्या किया उन्होंने, इसमें पूरी महाभारत का सारा है। संक्षेप में कह दूं, महाभारत की कथा शुरू होती है शंतनु से। शंतनु ने गंगा के साथ विवाह किया और गंगा का ये शर्त थी उसकी कि संतानों का जो जन्म होगा मुझे जो इच्छा होगी वो मैं करूंगी, तुम पूछ नहीं पाओगे मुझे। एक के बाद एक संतान उत्पन्न होते गए, गंगा उसे प्रवाहित करती गई अपने आप में नदी में। शंतनु को दुख बहुत होता था कि अरे मेरी संतान है तुम नदी में बहा रहे। अंत में एक संतान बालक जो पुत्र था गंगा बहाने जा रही है, शंतनु सहन न कर पाए, अरे क्यों कर रही हो ये पूछा। गंगा ने उस बालक को शंतनु को सौंप दिया, कहा शर्त पूरी हुई मैं जा रही। ये बालक का नाम रखा गया देवव्रत। बड़ा हुआ जुआन, 18-20 साल की उसकी उम्र होगी। राजकुमार के स्थान पर हैं वे देवव्रत, गांगेय गंगा का पुत्र। शंतनु नदी के तट पर गए थे, वहां एक मत्स्यगंधा को एक फिशरमैन कम्युनिटी की एक सुंदर कन्या को देखा, आकर्षित हुए, विवाह का प्रस्ताव रखा उस कन्या के पिता के पास जाकर। उस पुरुष ने कहा कि आपकी उम्र इतनी हो गई, मेरी पुत्री तो छोटी है अभी, फिर भी आप राजा हो, ना नहीं कह सकता मैं आपसे, लेकिन मेरी पुत्री का विवाह मैं आपके साथ कराऊं केवल एक शर्त पर कि मेरी पुत्री के जो संतान होंगे वे राजा बनेंगे, दे विल बी द नेक्स्ट किंग्स। अब ये तो कैसे हो, क्योंकि देवव्रत इतना बड़ा जवान बेटा बैठा है घर में, विवाह के योग्य है वो, और वो परंपरा ऐसी थी कि जो बड़ा बेटा हो उसकी संतान राजा बने, परंपरा ऐसे चलती थी। तो शंतनु ने कहा कि मैं देवव्रत से अन्याय नहीं कर सकता मेरे पुत्र से, लौट आए। लेकिन वो कन्या याद आ रही है, उसका सौंदर्य याद आ रहा है, थोड़े से उदास है, खिन्न है। देवव्रत ने पूछा, पिताजी आप उदास क्यों हैं, इतने खिन्न क्यों हैं? शंतनु ने स्वयं तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन पुत्र को पता चल गया अन्य लोगों के द्वारा कि यह घटना हुई। शंतनु उस मत्स्यगंधा से विवाह करना चाहते हैं और मत्स्यगंधा के पिता दास राजा ने कहा है कि मेरी पुत्री के जो संतान हो वो राजा बने, और वो शर्त शंतनु को मान्य नहीं है क्योंकि देवव्रत को अन्याय होगा। ओ, इसलिए पिताजी उदास है। 20-21 साल का ये नवयुवक दास राजा के पास पहुंचा है और कहा कि आपकी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ कराइए।
प्रिय स्वजनों, अपने विवाह करने की उम्र में ये युवक अपने पिताजी का प्रस्ताव लेकर के गया है। दास राजा ने कहा कि मैंने मना नहीं किया, लेकिन मेरी शर्त केवल इतनी है कि मेरी पुत्री के संतान जो हो राजा बने। देवव्रत ने कहा कि मुझे मान्य है, मैं अपना अधिकार छोड़ देता हूं। ऐसे तो राजकुमार हूं लेकिन छोड़ दे रहा हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा, आपकी पुत्री के जो संतान होंगे वे राजा बनेंगे। दास राजा ने एक कदम आगे सोचा, कहा आप मुझे वरदान वचन दे रहे हो, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन भविष्य में जब आपकी संतान होगी और मेरी पुत्री के संतानों की संतान होगी नेक्स्ट जनरेशन में, तब जब बात आएगी कि राजा कौन बने, तो प्रजा तो आपके संतानों के साथ खड़ी रहेगी क्योंकि यू आर रॉयल ब्लड, ब्लू ब्लड हो आप, तब मेरी पुत्री के संतानों का क्या, उस समय कहा जाएगा ये तो मच्छी मार की बेटी, उसके संतानों को थोड़ी राजा बनाया जाता है, तो आपके संतान उस समय राजा बनेंगे। फिर देवव्रत ने वचन दिया, अद्य प्रभृति में दारा ब्रह्मचर्यम भविष्यति, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी तो फिर तुम्हारी पुत्री के जो संतान होंगे वही राजा बनते रहेंगे। और ये प्रतिज्ञा जब की, अद्य प्रभृति में दारा ब्रह्मचर्यम भविष्यति, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, वो ऐसा समय था कि उस समय ऐसा कहा जाता था अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसको पुत्र न हो उसकी सदगति नहीं होती। अब ये बात भी समझ लेना, मैं बुद्धिमान वर्ग एजुकेटेड लोगों के सामने बैठा हूं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इसको पकड़े हुए हैं, बेटा ना हो तो सदगति नहीं होती, इसलिए बेटियों की लाइन लगती जाए और बेटा अभी होगा अभी होगा अभी होगा। ये धर्म का सिद्धांत नहीं है, उस समय की सामाजिक आवश्यकता थी, इट वॉज अ सोशल नेसेसिटी। हर समाज की अपनी एक डेमोग्राफी होती है, डेमोग्राफिक रेशियो होता है, डेमोग्राफिक रेशियो समाज में पुरुष और स्त्री की समतुला रहनी चाहिए तो समाज ठीक तरह से आगे बढ़े, वो रेशियो बदलते रहते हैं। भारत का हजारों वर्षों का इतिहास आप देखो तो हमेशा ये रहा है कि महिलाएं अधिक थी पुरुष कम थे, और उसके कारण क्या था, युद्ध होते थे, और युद्ध जब हो तो बड़ी संख्या में यंगस्टर्स ही तो युद्ध करने जाते हैं सैनिक बन करके, तो बड़ी संख्या में नौजवान पुरुष वीरगति को पा लेते हैं, तो ऑब्वियसली पुरुषों की संख्या समाज में कम हो जाती है, महिलाओं की संख्या बढ़ते रहती है, ये डेमोग्राफिक रेशियो का इंबैलेंस हो जाता है। उसके कारण दो बातें समाज में आई, जस्ट टू सेटल दिस रेशियो बिकॉज ऑफ द सोशल नेसेसिटी, दो बातें आई, एक पुरुष संतति को महत्व मिला, जब बेटा हो तो हो बेटा आया, क्यों, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, जिसकी सप्लाई कम हो उसकी डिमांड ज्यादा है, तो समाज को जरूरत थी उस वक्त पुरुषों की, इसलिए बेटा आया तो जरा ओहो बड़ी बात बन गई। और दूसरा पॉलीगैमी, एक पुरुष एक से अधिक स्त्री के साथ विवाह कर सकता था, क्यों, अगेन समाज की आवश्यकता थी, वो पुरुषों के लिए कोई मौज करने का बहाना नहीं था, चूंकि समाज में स्त्रियों की संख्या अधिक है पुरुषों की संख्या कम है, तो स्त्री की भी अपनी बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड है कि मुझे भी कोई अपना व्यक्ति चाहिए, मुझे भी मेरा परिवार चाहिए, मुझे भी मातृत्व चाहिए, वो कैसे होगा, क्योंकि स्त्रियां अधिक हैं संख्या में पुरुष कम हैं, तो उस समय ऐसे छूट दे दी गई कि यदि कोई पुरुष शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक रूप से सक्षम हो, ये कंडीशन थी कि वो एक से अधिक स्त्रियों को न्याय दे सकता है, उनका संरक्षण कर सकता है, तो वो विवाह कर सकता है, पॉलीगैमी वॉज प्रिवेलेंट, लेकिन ये सामाजिक कारण था।
अब जिस समय में हम जी रहे हैं उस समय डेमोग्राफिक रेशियो उल्टा हो गया है, इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ गया, लेकिन 1000 पुरुषों के सामने 950 जितनी महिलाएं, तो 1000 में से 50 पुरुष कंपलसरी ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में यदि कोई आज भी पकड़ के बैठे नहीं बेटा चाहिए बेटा चाहिए, तो वो पागलपन है। आज तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको पुत्री नहीं होगी उसको सदगति नहीं मिलेगी। ये स्त्री का, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी आवश्यकता होती है, प्रत्येक समाज की अपनी नेसेसिटी होती है। डेमोग्राफिक रेशियो जिस तरह से हो, और दूसरी बात, आज के समय में भी कुछ पागल लोग पॉलीगैमी पकड़ के बैठे रहे कि एक पुरुष चार चार महिलाओं से विवाह करेगा, तो वो अन्याय है, वो अपराध होना चाहिए, इट शुड बी अ क्राइम, क्योंकि आज वो जरूरत नहीं है। कहने का आशय, जिस समय में यह माना जाता था कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति, पुत्र नहीं होगा तो सदगति नहीं मिलेगी, उस समय जब देवव्रत ने यह वचन लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो उनसे कहा गया क्या कर रहे हो ये, अरे पिताजी को तो थोड़ा सा आ गया है मोह, उतर जाएगा, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, और तुम विवाह नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तुम्हें संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, तो तुम्हारी सदगति नहीं होगी। उस समय देवव्रत ने कहा अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवी, मेरे बाद कोई बेटा चावल के लड्डू रखे पिंड दे और मुझे सदगति मिले, ऐसी सस्ती वाली सदगति यदि होगी तो भी मुझे नहीं चाहिए, मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मुझे सदगति प्राप्त हुए बिना रहेगी नहीं। केवल बेटा चावल के पिंड रखे बाप को मुक्ति मिल जाए, इतनी 12 लड्डू रख दो हो गई मुक्ति, इतनी सस्ती वाली सदगति मुझे नहीं चाहिए, मेरे कर्म ऐसे होंगे, मेरा सत्कर्म ऐसा होगा कि मेरी मुक्ति अवश्य होगी। ये बात जब उन्होंने कही तो आकाश में से देवताओं ने ऋषियों ने पुष्पवृष्टि करते हुए कहा भीष्मोयम् भयंकर कर्मकारित्वात्, अरे असंभव दिखती हुई बात को यह संभव करने बैठा है, पूरा समाज जो एक मान्यता लेकर बैठा है उसके सामने ये वैचारिक क्रांति कर रहा है, इज अ रिवोल्यूशनरी, और वो प्रतिज्ञा ठीक से पालन करके दिखा रहा है। तो उनको कहा गया भीष्म, ये भीष्म देवव्रत को दिया गया एक टाइटल है, एक ऑनर है, जैसे आज पद्मश्री पद्म विभूषण ये सब मिलता है ना, ऐसे उनको दिया गया एक ऑनर है भीष्म। क्यों? भयंकर कर्मकारित्वात्, उसे अपने कर्मों पर कितनी श्रद्धा है, असंभव ऐसा काम वो संभव करने चला, ये भीष्म हुए। दाश राजा की कन्या मत्स्यगंधा के साथ सत्यवती, जिसका नाम फिर का किया गया, शंतनु का विवाह हुआ, जो संतानें आगे चलकर हुई वो पूरा कौरव वंश बना। चित्रांगद विचित्रवीर्य ये पुत्र हुए, उनके लिए भीष्म ने ही, ये पूरी महाभारत की कथा मुझे जाना नहीं है क्योंकि वो पूरा वंश, ये महाभारत की कथा जब बताने बैठता हूं ना तो एक बात आए तो साथ में लगता है ये भी बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा, ये बिकॉज दे आर सो वेरी इंटरकनेक्टेड, तो उनमें से केवल एक स्ट्रेस को एक धागे को लेकर के बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंबा अंबिका अंबालिका ये तीन कन्याओं को भीष्म हरण करके ले आए, उसमें एक ने कहा कि मैं तो मनोमन किसी दूसरे राजा के साथ विवाह कर चुकी हूं तो उसको छोड़ दिया। अब विचित्र वीर्य,
विचित्र वीर्य, देखिए शब्द ही है विचित्र वीर्य, उसमें वो शक्ति नहीं थी कि वो राजगद्दी को अगला वारस दे सके। तो उस समय नियोग पद्धति थी। आज के समय में कहो तो जो स्पर्म बैंक होती है, मैं एक पढ़े लिखे समाज को उद्बोधित कर रहा हूं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पूरे सीड्स महाभारत में से मिलते हैं, कोई नई बात होती नहीं। हमारे यहाँ का कहा जाता है साहब, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, संसार में जो भी घटना होती है आप देखो, आप चाहे कितना भी समझो कि हम 21st सेंचुरी में आ गए, अरे 35th नहीं 31st सेंचुरी में भी चले जाओ, जो भी होगा वो सब महाभारत में आ गया किसी न किसी रूप में। तो आज लोग कहते हैं कि स्पर्म बैंक ये करो, IVF, ये सारी बातें महाभारत में है प्रसंगों में। नियोग पद्धति, जब किसी पुरुष में क्षमता न हो तो केवल प्रजोत्पादन के लिए, प्लेजर के लिए नहीं होता था, वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता था, केवल राजगद्दी को वारस मिले, परिवार को अगली पीढ़ी प्राप्त हो, उसके लिए किसी विद्वान, किसी प्रभावी, किसी तेजस्वी ऐसे पुरुष का बिंदु ला करके ये क्रॉस ब्रीड कराया जाता था। आज के IVF, तो व्यास को ले जाया गया। पहले जो पुत्र हुए वो धृतराष्ट्र जन्म से अंध थे, दूसरा पुत्र हुआ, अब जन्म से अंध था इसलिए ही वॉज नॉट फिट टू बी अ किंग, अंधा व्यक्ति जो हो वो राजा कैसे बन सकता है, मर्यादा है उसकी। तो फिर से नियोग पद्धति करवाई गई, पुत्र जो हुए वो पांडु हुए। पांडु शब्द का भी अर्थ समझ लो, वो ऐसे तो ठीक थे लेकिन छोटी उम्र से वो पांडु रोग, आज की भाषा में उसे कहते हैं एनीमिया, रेड ब्लड कॉर्पसल्स नहीं होते शरीर में, कम होते हैं, इसलिए वो लोग फीके दिखते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन कम जब होता है तो उससे क्या होता है, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, दे आर वेरी वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस। तो आयु भी कितनी होगी पता नहीं चलेगा, आप कितनी जिएंगे, क्या जिएंगे। फिर से जब नियोग कराया गया तो पांडु राजा तो बन सकते थे क्योंकि अदरवाइज ही इज फिट, ही इज जस्ट नॉट वेल फिजिकली, इतना ही। अब तीसरी बार जब हुआ तो वो रानी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, अपनी दासी को भेजा और उससे जो संतान हुआ वो विदुर जी। इस तरह धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, विदुर दासी पुत्र कहलाए। पांडु राजा बने, धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुए, एक्चुअली उससे भी अधिक हैं, लेकिन जो कौरव हम 100 कहते हैं, महाभारत में ऐसा कहा गया है कि गांधारी गर्भवती हुई, यूजुअली 36 वीक्स का पीरियड हम समझते हैं, 9 महीने पूरे हो जाने के बाद संतान का जन्म होता है, वो समय बीत गया फिर भी बालक का जन्म नहीं हो रहा है, 1 महीना 2 महीना ऊपर चला गया तो चिंता का विषय हो जाता है कि भाई बालक का जन्म क्यों, प्रसूति की वेदना शुरू नहीं हो रही। तो ऐसा किया कि वो गर्भ के 100 विभाजन किया गया, द वूम वॉज डिवाइडेड इन 200, और वो जो 100 पुत्र आए वो कौरव हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, मल्टीपल जो बेबीज होते हैं ना इस तरह से, या तो उसका एक तात्विक अर्थ भी है, जब बात आएगी तो बताऊंगा मैं, केवल वो नंबर में मत जाने, तो लोगों को लगता है 100 मतलब दूसरा कुछ कामकाज किया होगा कि नहीं, ये नहीं, उसका अलग अलग उसके अर्थ है। उसी समय
धृतराष्ट्र की एक दूसरी रानी थी, वो भी सगर्भा थी, उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। वो पुत्र का नाम है युयुत्सु, वो भी है कौरव, लेकिन ये 100 कौरव में नहीं, वो अलग है युयुत्सु। उसकी भी जब बात आएगी मैं बताऊंगा आपको मैं क्यों ये संबोधन युयुत्सु आपसे कह रहा हूं। ये बातें शायद वो कहानियों में नहीं आएगी, मुझे पता नहीं सीरियल वाले दिखा दे कि नहीं दिखा दे, क्योंकि मेरा जैसे मैंने कहा सीरियल से लेना देना नहीं है, मैं तो शास्त्र की बात कर रहा हूं, ग्रंथ की बात कर रहा हूं। एक बहना है जिसका नाम था शांता, दुर्योधन की बहना एक। पांडु अब एनिमिक है तो वो भी संतान करने के लिए केपेबल नहीं है। कुंती से उनका उनकी 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। कुंता ने तपस्या की, अगेन आर्टिफिशियल चाइल्ड बर्थ। कुंता ने तपस्या की और विविध देवताओं से वरदान मांगे, और ये देवताओं ने वरदान दिए कि तुम जब चाहोगी हमारी ओर से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। बाईस पच्चीस साल की उम्र होगी। अब ये अवस्था में जिज्ञासा रहती है, कुतूहल रहता है कि वरदान तो मांगा, क्या सच होता होगा, क्या सही रूप में संतान प्राप्ति होती है। सूर्य का एक मंत्र बोलकर जो वरदान हुआ, पुत्र हुआ। अब विवाह भी नहीं हुआ है और ये संतान, क्योंकि ये अनुष्ठान उसने विवाह से पहले किया है, सब विवाह भी नहीं हुआ और पुत्र का जन्म हो गया। आज के जमाने में भी वो टैबू है, तो आज से 5000 वर्ष पहले तो कितना बड़ा टैबू होता होगा, लकड़े की पेटी में रख के उसको नदी में बहा दिया, किसी सूत लोगों ने उसको पालन किया, वो आगे जाके कर्ण बना। फिर जब विवाह हुआ, एक के बाद एक देवताओं से वरदान जो मांगे, 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। धर्मराज यमराज के पास से जो पुत्र मांगा वो युधिष्ठिर। वायु के पुत्र से, वायु से जो पुत्र मांगा वायुदेव से, वो भीम। और इंद्र के पास से जो पुत्र मांगा वो अर्जुन। और 2 वरदान बचे थे, वो माद्री को दिए, माद्री को 2 पुत्र हुए, सहदेव और नकुल। तो 100 कौरव प्लस युयुत्सु और यहां पर 5 पांडव। अब ये श्लोक, धृतराष्ट्र बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड सिंस बर्थ, वो राजा नहीं बन सकते थे, पांडु ने राज्य गद्दी संभाली, और बिकॉज ही वॉज एनिमिक तो बहुत छोटी उम्र में फिर उनको राजवैद्यों ने सलाह दी कि तुम यदि ये भीड़ भाड़ में रहोगे तो यू आर वेरी वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस, तुम्हें कोई भी बीमारी लग सकती है क्योंकि तुम्हारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम है, तो तुम जाकर के वन में रहो। आज भी नहीं लोगों को कहा जाता है कि भाई भीड़ भाड़ से दूर रहो, अकेले में रहो, जंगल में जाकर के रहो, किसी क्या कहते हैं उसको, फार्म हाउस पे जाके रहो, माद्री के साथ पांडु वनवास के लिए चले गए। 5 बेटे छोटे थे तो राज्य कौन संभालेगा, क्योंकि पांडु के बाद युधिष्ठिर वो राजा बनेंगे, अब अधिकार उनका हो गया, लेकिन युधिष्ठिर छोटे थे, ही वॉज स्टिल माइनर। तो उस समय के लिए पांडु ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि आप राजगद्दी संभालो टेम्पररीली, और मेरा बेटा जब 18 वर्ष का हो जाए युधिष्ठिर, तो उसको युवराज पद पे अभिषिक्त करके सिंहासन आप उसको दे देना। धृतराष्ट्र ने कहा हाँ हाँ ठीक है जाओ। पांडु जैसे वन में गए, धृतराष्ट्र ने
और उसके अंदर वो एक अपराध भाव ऐसा था उसको कि बिकॉज आई एम ब्लाइंड सिंस बर्थ, नहीं तो मैं बड़ा बेटा हूं, राज्य की गद्दी तो मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं अंधा हूं इसलिए मुझे नहीं मिली, और मुझे तो नहीं मिली लेकिन मेरी वजह से मेरे बेटों को भी नहीं मिली, पूरी मेरी लीनियज बाहर हो गई उसमें से। दुर्योधन को मिलनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं मिली। तो अब धृतराष्ट्र ने सिंहासन पर बैठकर केवल एक ही काम किया कि युधिष्ठिर को यह गद्दी न मिले और अपने पुत्र दुर्योधन को कैसे मिले। ऐसे ही वो कूटनीति करता रहा। इसलिए धृतराष्ट्र शब्द का भी अर्थ समझें, धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र, जिसने राष्ट्र को पकड़ रखा है मुट्ठी में। आज की भाषा में कहूं तो ट्रस्टी जब प्रॉपर्टी का मालिक बनने के प्रयत्न करें तब वो धृतराष्ट्र हो जाता है। टेम्पररी कन्हैया भाई, आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की भाषा में ठीक है ना ये? ट्रस्टी जब मालिक बनने का प्रयास करे। धृतराष्ट्र का कर्तव्य क्या था कि वो जो 5 साल का पीरियड था उसमें केवल उसको ध्यान रखना था, राज्य का संभालना था, और युधिष्ठिर मेजर हो जाए तो फिर उनको राज्य गद्दी सौंप देनी थी, ये उनका कर्तव्य था। युधिष्ठिर बड़े हो गए लेकिन धृतराष्ट्र ने सौंपी नहीं गद्दी, गद्दी तो नहीं सौंपी, उनको मारने का प्रयास किया गया किसी भी तरह से, ये गद्दी मेरे पुत्रों को मिलनी चाहिए, युधिष्ठिर दुर्योधन को मिलनी चाहिए बस। इसलिए आप याद रखना ये धृतराष्ट्र इतना कनिंग है। अब महाभारत देखोगे ना, महाभारत का विलन आपको दिखाई पड़ता है दुर्योधन, क्योंकि वो चिल्लाता हुआ क्रोध करता हुआ वो दिखाई पड़ता, लेकिन असल में महाभारत का विलन है धृतराष्ट्र। ही इज लाइक स्नेक इन द ग्रास, हरी घास में जहरीला सांप होता है ना, वो हरा होता है दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसके जितना डेंजरस और कोई नहीं होता। धृतराष्ट्र ऐसा है, वो हमेशा लोगों के सामने पेश आता था बेचारा बूढ़ा आदमी, पुअर ओल्ड फेलो, ब्लाइंड फेलो, और लोगों के साथ बात भी ऐसी करता, लेकिन मन में इतनी उसकी कूटनीति चलती। और दुर्योधन को उसने कह भी रखा था कि मैं जब कृपाचार्य या भीष्म या द्रोणाचार्य ऐसे लोगों के सामने या सभा में बैठकर कभी प्रजाजनों के सामने तुझे डांटूं, तुझे रोकूं, तो वो मानना मत मेरी बात को, वो तो लोगों को दिखाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन योजना तो बाप बेटे की यही है कि कैसे पांडवों को मारा जाए और ये गद्दी तुझे मिल जाए। तो ये धृतराष्ट्र लाइक अ स्नेक इन द ग्रास, ऐसा ये धृतराष्ट्र। कभी कभी लोगों को प्रश्न होता है कि भगवत गीता जैसा इतना महान ग्रंथ और उसकी शुरुआत धृतराष्ट्र जैसे से मुंह से, भगवान के मुंह से जरा शुरू कर देते तो अच्छा लगता ना, शुरुआत में ऐसा है जैसे श्री कृष्ण हुआ च या श्री भगवान हुआ च। हम इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, जीवन को परिवर्तन करने की यात्रा शुरू करें भगवत गीता के अध्ययन की, और पहले दिन हमें क्या बोलना है, धृतराष्ट्र उवाच, भगवत गीता के 700 श्लोकों में से धृतराष्ट्र केवल ये एक ही श्लोक बोला है बस, केवल एक श्लोक धृतराष्ट्र के हिस्से में आया है, लेकिन वो बोला बहुत महत्वपूर्ण। ये वृत्ति उसकी समझ लेना, द एटीट्यूड समझ लेना। माम काहा पांडवाश्चैव, ये धृतराष्ट्र की वृत्ति है, मेरे बेटे और पांडु के बेटे। कहना था तो ये भी कह सकता था ना, कौरवाहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, तो छंद भी नहीं टूटता व्याकरण की दृष्टि से, वो करेक्ट रहता, कौरवाहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, लेकिन वो कौरवाहा पांडवा नहीं बोला, वो
वो क्या बोला, माम काहा पांडवाश्चैव। मैंने जो संक्षेप में आपको महाभारत की कथा सुनाई, पांडु के वन में जाने के बाद धृतराष्ट्र जो चाचा है, ताऊ है, पिता के बड़े भाई, तो पांडव भी उसी के तो बेटे हुए। कौरवों को यदि दुर्योधनादि को यदि कहता है कि वो मेरे बेटे, तो क्या पांडव उसके बेटे नहीं है? लेकिन धृतराष्ट्र ने हमेशा ये अंतर रखा, मेरे बेटे पांडु के बेटे, मेरे बेटे पांडु के बेटे। प्रिय स्वजनों, परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग जब ये अंतर रखें कि मेरा बेटा और ये भाई का बेटा, तो उस परिवार में आज नहीं तो कल महाभारत होगा, होगा और होगा। ये अपने पराए की जो भावना है, मैं कथाओं में कई बार ये दृष्टांत देता हूं। एक परिवार, दो भाई थे, दुकान थी, अच्छी चल रही थी, तो पिताजी निवृत्त हो गए थे। दोनों भाइयों ने कहा कि पिताजी आपने बहुत मेहनत की, प्रणाम आपको, अब आप विश्राम करें, जो भी धर्म ध्यान आनंद समाज का काम आपको करना है वो करते रहिए, हम दो भाई दुकान संभाल लेंगे, कारोबार पूरा संभाल लेंगे। और वो अच्छी तरह से चल रहा था। एक ही थैली पूरी आए, जो भी आए उसमें से आती, जिसको जो चाहिए अपनी तरह से खर्च करते और आनंद से रहते थे, बड़ा भाई और छोटा भाई। समय भी ऐसे बांट लिया था कि बड़ा भाई सुबह जल्दी उठकर चला जाता दुकान पर और 4:30 बजे लौट आता, छोटा भाई थोड़ा लेट जाता, भोजन करके 11-12 बजे जाता और रात को 8:30-9 बजे आता। दोनों को एक एक बेटा, बड़े भाई का भी एक पुत्र, छोटे भाई का भी एक पुत्र। और यूजुअली परिवार में आप देखो तो चाचू होता है ना, बड़ा प्यारा होता है, सब लोग चाचू 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 करके। छोटा भाई जब दुकान से आए, चाचू आए, और चाचा को भी अच्छे लगते थे दोनों बेटे, और रात को 8:30-9 बज जाते तो वो लोग सो न जाए, जागते रहें, चाचू से खेलें। उसके लिए चाचू ने एक आदत बना रखी थी, वो रोज चॉकलेट ले आता दो, और दोनों को तो छोटे बच्चे, एक 5 साल का, एक 4 साल का, वो प्रतीक्षा करते चाचू आएंगे चॉकलेट लाएंगे, चाचू आएंगे, और चाचू आके दोनों को एक एक चॉकलेट दे देते, खेलते थोड़े समय। एक दिन ऐसा हुआ आते समय कि दो चॉकलेट नहीं मिली, स्टॉक खत्म हो गया, एक ही मिली। चाचू ने कहा कोई बात नहीं, चलो एक चॉकलेट ले ली। घर पहुंचे, दोनों बेटे प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़ा बेटा चाचू चाचू चाचू, छोटा बेटा पापा पापा पापा, चॉकलेट हाँ 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 है, उठा 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 उठा, चॉकलेट तोड़ी, दो टुकड़े किए। अब देख उसको पता चल गया कि दाहिने हाथ में बड़ी चॉकलेट है, टुकड़ा बड़ा है, और बाएं हाथ में छोटा टुकड़ा है, लेकिन दाहिनी ओर बड़े भैया का बेटा है और बाई और मेरा बेटा खड़ा है। तो उसने चॉकलेट चॉकलेट कर रहे थे, एक मिनट, आदू मंतर जादू मंतर आदू मंतर ले लो। बड़े भाई ने ये देखा, कुछ नहीं बोला वो। एक हफ्ता बीत गया, फिर धीरे से उसने पिताजी के सामने प्रस्ताव रखा कि पिताजी आपकी उपस्थिति में शांति से बंटवारा हो जाए। पिताजी को आश्चर्य हुआ, क्या? नहीं हुआ, कुछ नहीं पिताजी, बस सब आनंद आनंद है, उसी समय कर ले तो अच्छा है ना। लेकिन ये बात तेरे दिमाग में कैसे आई, इतना अच्छी तरह से सब चल रहा है? पत्नियों में कुछ, पत्नियों ने कहा बिल्कुल नहीं, दो बहनों से अधिक हैं। तो यूजुअली बात वहां से शुरू हो,
उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं चाहती कि बंटवारा हो। पता नहीं ये बड़े भैया क्यों कह रहे हैं, दो बहनों से अधिक हैं। पूछते रहे पिताजी, बेटा बताओ हुआ क्या हुआ। नहीं नहीं बस पिताजी और कुछ नहीं, आपको जो ठीक लगे, मैं नहीं कहता कि मुझे इतना चाहिए उसको इतना दो, कुछ नहीं, जो आपको ठीक लगे लेकिन आपके हिसाब से पिताजी बस कर दीजिए ना तो अच्छा हो जाए। कसम दिलवाई पिताजी ने कि बेटा तेरी ओर से ये बात आ नहीं सकती कभी, बड़ा समझदार है तू, क्यों तू ये बात लेकर आया। आंख में आंसू के साथ बड़े भाई ने कहा, पिताजी आज तो केवल हाथ में ये क्रॉस हुआ है, ये हाथ में जो क्रॉस है वो दिल तक पहुंचे उसके पहले बंटवारा हो जाए तो अच्छा है। ये जहां भाव आया कि मेरे बेटे को बड़ा टुकड़ा मिलना चाहिए, भाई के बेटे को छोटा टुकड़ा मिलना, ये धृतराष्ट्र वृत्ति के बीज हैं, वो शुरू हो रही है। मेरे पराये का भेद जहां आ गया। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय उन्होंने क्या किया, क्यों पूछ रहा है धृतराष्ट्र, ये क्या किया, ऐसा क्यों पूछ रहा है। जैसा मैंने कहा पता था उसे, ये खुद कह रहा है कि युद्ध सभा लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। याद रहे धृतराष्ट्र पूछ रहा है क्या किया, इसका अर्थ वो जानना चाहता है क्या सचमुच इन्होंने युद्ध किया, डिड दे रियली फाइट। कारण, पहला कारण, महाभारत की पूरी टेक्निक ऐसी है कि वह फ्लैशबैक में चलता है। भगवत गीता का उपदेश भी जब भगवत गीता कही गई तब महाभारत में नहीं आया है। आप पढ़िए महाभारत, भीष्म पर्व में युद्ध शुरू हो गया, 9 दिन तक भीष्म पितामह लड़े, पराक्रम से लड़े और 10वें दिन भीष्म गिरे। वो क्यों गिरे वो भी कथा अलग है, जब कहानी आएगी तो बताऊंगा यदि समय मिला तो। 10वें दिन भीष्म गिरे बाणशैया पर, और जो भीष्म गिरे हैं संजय जो धृतराष्ट्र के सामने वर्णन कर रहा है, संजय ये दुनिया का सबसे पहला रनिंग कमेंटेटर है, बॉल टू बॉल कमेंट्री। दूसरे श्लोक में जाने से पहले मैं दूसरे श्लोक के समय संजय जो आ चाहे तब मैं समझाता हूं। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि ये भीष्म गिरे, ने सोचा भीष्म गिरे, भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु वरदान है, वो जब चाहे तब उनकी मृत्यु हो, कोई उन्हें मार नहीं सकता। और धृतराष्ट्र को ऐसा लगा था कि जब तक भीष्म अकेले भी यदि रण मैदान पर खड़े हैं तो मेरी जीत पक्की है, क्योंकि भीष्म को कोई मार नहीं सकता जब तक वो स्वयं तय न कर ले कि मुझे मरना है। और ऐसे भीष्म गिरे, शॉक लगा धृतराष्ट्र को एक, तो कहता बता बता संजय क्या। 10वें दिन पूछता है, महाभारत का युद्ध चला 18 दिन, ये 18 की संख्या का भी भगवत गीता में बहुत महत्व है। महाभारत में, महाभारत के कुल पर्व हैं 18, गीता के अध्याय हैं 18, महाभारत का युद्ध चला 18 दिन, महाभारत के रण मैदान पर जो कुल सैन्य है वो 18 अक्षयणी है, पांडवों के पक्ष में 7 अक्षयणी
और दुर्योधन के जो सपोर्टर, कौरव के जो सपोर्टर थे 11 अक्षौहिणी। अक्षौहिणी एक यूनिट होता है, जैसे हजार लाख करोड़ जैसे बोलते हो, ऐसे उस समय का एक यूनिट है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी किसको कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा कि इतने सैनिक, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने रथ, ये सब मिलके बोलता है एक अक्षौहिणी। ऐसे 18 अक्षौहिणी टोटल सैन्य रण मैदान पर, 18 की संख्या की बड़ी महिमा है। अठारह दिन का कुल युद्ध है, उसमें से 10वें दिन भीष्म गिरे, ये जब कहा संजय ने तो धृतराष्ट्र चौंक गया, बता क्या हुआ। इसलिए ये प्रश्न है किम कुर्वत, ऐसे हुआ सब, तब गीता की शुरुआत हुई। तो फ्लैशबैक में दूसरा अर्थ, धृतराष्ट्र जानना चाहता है कि ये लड़ने के लिए इकट्ठे तो हुए लेकिन क्या सचमुच लड़े। कारण प्रिय स्वजनों याद रखना, धृतराष्ट्र जैसे लोग कभी भी युद्ध चाहते ही नहीं। जिसने अन्याय से, अनीति से, अधर्म से प्रॉपर्टी पकड़ के रखी हो वो युद्ध क्यों चाहेगा, उसको क्या फायदा। आज के लोकतंत्र की परिभाषा में कहूं, डेमोक्रेसी की लैंग्वेज में, तो रूलिंग पार्टी कभी इलेक्शन डिक्लेयर करेगी ही नहीं। जिसके पास कुर्सी है वो क्यों चुनाव करेगी जाए, उसको क्या फायदा। जो कुर्सी पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है, वो युद्ध क्यों करेगा, उसको कोई फायदा नहीं है। यदि वो युद्ध जीत गया तो क्या फायदा उसको, जो गद्दी थी वही वापस मिलेगी, लेकिन वो वापस में पाने के लिए जितना नुकसान हुआ वो तो उसको नुकसान ही है। और 50-50 चांसेस है, युद्ध यदि हुआ तो हार भी सकता है, और यदि हार गया तो जो गद्दी अपने पास है, सिंहासन, वो भी छोड़ना पड़ेगा। सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी युद्ध नहीं चाहता, और उसमें भी धृतराष्ट्र जैसे जो लोग हैं, अधर्म से, अनीति से, अन्याय से जिन्होंने सिंहासन पकड़ के रखा, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए वो पूछता है क्या सचमुच में युद्ध हुआ। तीसरी बात, अगेन महाभारत की कथा बताऊं, प्रसंग जो केवल रेफरेंस है उतना ही। भगवान श्री कृष्ण जब संधि करने के लिए आए पांडवों के प्रतिनिधि बनकर, उससे पहले जब 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास हुआ, हाइडिंग में रहना था, छुप कर रहना था। अब देखिए महाभारत का कैसा है वन जैसा, अब सीधा ये उठाऊंगा तो आपको लगेगा क्यों ऐसा हुआ, तो द्यूत सभा, द्यूत सभा क्यों हुई, तो द्रौपदी, अंधे के बेटे तो अंधे ही होते हैं। दुर्योधन ने जो द्यूत सभा रखी, जुए में द्रौपदी को रखा गया दाव पर, और वहां पर जो बातें हुई उसमें शर्त ऐसी रखी गई थी कि पांडव 12 वर्ष तक वनवास में जाएंगे, 13वां वर्ष अज्ञातवास रहेंगे, छुप कर रहेंगे, और वो 13वें वर्ष में यदि हमको पता चल गया कि पांडव यहां पर हैं तो फिर से 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष के। ये दुर्योधन ने ऐसी योजना बनाई थी कि वो जंगल में ही रहे, और उसको था कि ढूंढ निकालेंगे कहीं से भी, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। विराट नगर में सब पांडव रहे अलग अलग वेश में बदलकर, भेष बदलकर। 13वां वर्ष जब पूरा हो गया, पांडव प्रकट हुए कि जो शर्त थी द्यूत सभा की वो पूरी हो गई, 12 वर्ष का वनवास, 13वां वर्ष अज्ञातवास, अब हमें राज्य दो। दुर्योधन ने टेक्निकल पॉइंट खड़ा किया, 13 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, क्यों हमारे यहां अधिक मास आता है हर 3 वर्ष में,
तो 12 वर्ष जो वनवास में रहे उसमें कितने अधिक मास गए होंगे? 4 अधिक मास गए होंगे। पांडवों तो अपनी तरफ से तो क्या गिनेंगे, एक साल का अर्थ 12 महीने, तो 12 महीने पूरे हो गए, वैसे 12 वर्ष पूरे हो गए और 13वां वर्ष के 12 महीने पूरे हो गए, तो पांडव प्रकट हो गए कि 12 महीने अज्ञातवास में रहे, एक वर्ष का था अज्ञातवास। दुर्योधन कहता है अधिक मास का क्या? देखिए टेक्निकल पॉइंट, वो तो नहीं चाहता मतलब तुम जल्दी प्रकट हो गए हो, जाओ वापस 12 वर्ष वन में। अभी कुछ तरह से हल किया कि नहीं, वो दुर्योधन की वो बात नहीं चलेगी, राज्य तो देना पड़ेगा। पांडवों को समझाने के लिए नहीं तो युद्ध करेंगे पांडव तैयार, जब दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था तो पांडवों ने कहा हम युद्ध करेंगे। युद्ध न हो दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र कभी नहीं चाहता कि युद्ध हो, इसलिए उसने संजय को भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके विराट राजा की सभा में, और वहां जाकर के संजय धृतराष्ट्र की रटी रटाई बातें बताने लगा वहां विराट राजा की सभा में पांडवों के सामने। अरे आप तो धर्मिष्ठ हो, क्या आपको ये शोभा देता है परिवार में झगड़ा करना? क्यों ऐसा करते हो? मान जाओ ना बात, 12 वर्ष तो जैसे ये निकल गए वैसे ये भी निकल जाएंगे 12 साल वनवास में, और आप किसी प्रकार की चिंता मत करना। चाचा धृतराष्ट्र ने कहा है कि तुम्हें कोई भी तकलीफ पड़ेगी राज्य की तिजोरी तुम्हारे लिए खाली कर देंगे, तुम्हें कोई नहीं पड़ेगा, तुम धर्म ध्यान करो, यज्ञ यागादि करो, तीर्थ यात्रा करो, मौज करो, बस ये करने दो सब राज्य की झंझट दुर्योधन को, तुम्हारा स्वभाव है, तुम तो इतने भले आदमी इतने ऐसी मीठी मीठी बातें कही, और संजय ने इतनी अच्छी तरह से कही। वहां पर श्री कृष्ण देख रहे हैं पांडवों की बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस के एक्सप्रेशन, और पांडवों को तो अच्छा लगने लगा, युधिष्ठिर को तो खास, वाह वाह चाचा जी कितना ख्याल रखते हैं, देखो हम धर्म यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें, यज्ञ यागादि करते रहें, बस कितनी चिंता है, देखो याद हमारा कल्याण हो जाए इस संसार में। पांडवों के और हम सभी के सद्भाग्य से उस सभा में श्री कृष्ण जो उपस्थित थे, खड़े होकर के उन्होंने कहा, संजय तुम बात तो बड़ी प्यारी बता रहे हो धृतराष्ट्र की ओर से लाकर, लेकिन धृतराष्ट्र से जाकर कहना चैरिटी बिगेंस एट होम, ये जो अच्छी अच्छी बातें तुम करते हो ना उसका आचरण तुम शुरू करो, निकलो 100 कौरवों को लेकर के यात्रा करने को, करो यज्ञ यागादि, घूमो तीर्थों में, धर्म का आचरण तुम करो, और थोड़ा अभी राज्य संभालने दो पांडवों को, तुम्हें जो आवश्यकता पड़ेगी पांडव तुम्हें संपत्ति दे देंगे, गारंटी मेरी, निकलो यात्रा करने। और श्री कृष्ण ने कहा, संजय हस्तिनापुर में जाकर कहो पांडवों की ओर से संधि करने के लिए, विष्टि करने के लिए मैं आ रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण विष्टि ट्रीटी, भगवान श्री कृष्ण विश्व के सबसे पहले सेल्फ अपॉइंटेड एम्बेसडर, पूछा नहीं पांडवों से कि मैं जाऊं तुम्हारी बात लेकर, कहा मैं आ रहा हूं जाओ। ये वर्चस्व कितना होगा उनका। अब जब यहां तो ये जो धृतराष्ट्र पूछ रहा है किम कुर्वत संजय, उसका अर्थ उसको जानता है कि मैं जितना कनिंग हूं, मैं जितना मैनिपुलेटिव हूं, संजय को जो रटा के मैंने पांडवों के मन में डाला है वो पांडव युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होंगे, बिकॉज दे आर इमोशनल पीपल, दे आर राइटियस पीपल, वो धर्म मानते हैं, वो परिवार की संवेदना को मानते हैं, और वही बातें मैंने उनके दिल में डाल दी।
तो क्या सचमुच युद्ध किया? किम कुरुवत संजय, क्या वो संजय को मैंने सिखा के भेजा था, वो बातें जो मैंने पांडवों के दिल में डाल दी थी वो व्यर्थ गई? और ये कनिंग लोग होते हैं ना, उनको अपने पे इतना भरोसा होता है कि मैं जो दाव खेला हूं वो व्यर्थ तो जाएगा ही नहीं। एंड धृतराष्ट्र इज राइट। पहले अध्याय में जो अर्जुन को मोहाशक्ति हुई है और अर्जुन जो कहता है कि मैं अपने लोगों को क्यों मारूं, उसमें सीड में, उसकी नींव में ये बात है धृतराष्ट्र ने जो सिखाया था संजय को, और वो जो अर्जुन ने सुना है, क्योंकि आप महाभारत का रिसर्च करो पता चलेगा जो शब्द वहां पर संजय बोला था धृतराष्ट्र के शब्द विराट राजा की सभा में, वो ही लैंग्वेज यहां पहले अध्याय में अर्जुन बोल रहा है, कॉपी टू कॉपी वही शब्द। इसलिए धृतराष्ट्र पूछता है किम कुरुवत, ए संजय इन्होंने क्या किया? ये स्वजनों, भगवत गीता इसलिए पढ़नी है हमें क्योंकि कई बार हमारे सामने जब, अब जिस लेवल पर आप उसका अर्थघटन करना चाहो, पारिवारिक स्तर पर, कई किसी संस्था में आप हो तो वहां इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो कॉरपोरेट लेवल पर, ऑफिस में या किसी समाज में ऐसे फ्रेंड सर्कल कहते हो, लेकिन वहां पर भी कई ऐसे छिपे हुए धृतराष्ट्र और दुर्योधन बैठे हुए। वे बातें तो मीठी करते हैं लेकिन वो मीठी मीठी बातें करते हुए आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, आपकी अच्छाई को मैन्युपुलेट करके, आपकी अच्छाई का दुरुपयोग, क्योंकि आपके स्वभाव को जानते हैं कि आप इमोशनल हो, आप अच्छे हो, आप गलत काम करना नहीं चाहते, तो आपकी उस अच्छाई को भूनना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। आप ऐसे छिपे हुए धृतराष्ट्रों के शिकार न बनो, इसलिए भी तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश की आवश्यकता होगी। हमारी अच्छाई हमारी शक्ति बननी चाहिए, हमारी अच्छाई हमारी मर्यादा वीकनेस न बननी चाहिए। क्या करें अब उनके सामने कौन जाए, हम तो अच्छे हैं तो बैठे हैं। अच्छा आदमी ऐसे मायूस बन के नहीं बैठेगा कभी। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी शक्ति बननी चाहिए, तुम्हारी अच्छाई का कोई शोषण करके तुम्हारा दुरुपयोग कर जाए, तुम्हें अब्यूज कर जाए, वो नहीं चलेगा। इसके लिए श्री कृष्ण की गीता को पढ़ना है। मैनेजिंग लाइफ इस अर्थ में, नहीं तो केवल राम राम कृष्ण कृष्ण भजन करो, कीर्तन करो, प्रसाद खाओ, आरती करो, ये मतलब मैं उसका विरोधी नहीं हूं, वो सब अच्छी बातें हैं, वो करनी भी चाहिए, लेकिन भगवत गीता में से जो जीवन का शिक्षण मिलेगा, तो केवल इंट्रोडक्शन है, इसलिए एक एक श्लोक जब आता जाएगा और उसमें से जो एक एक रहस्य प्रकट होते जाएंगे। ये गीता को शुरुआत में शायद आप चित्र की तरह देखोगे, लेकिन जैसे जैसे आपका गीता का अध्ययन बढ़ता जाएगा, उसको आप चित्र की तरह नहीं, दर्पण की तरह देखने लगोगे। इस समय आपको क्या लगता है कि ये कोई कहानी, 5000 वर्ष पहले पांडव कौरव ये रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, एक चित्र की तरह देख रहे हो आप। लेकिन जितना आपका अध्ययन बढ़ता जाएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, वो चित्र मानो हट जाएगा, दर्पण बन जाएगा, अब आप अपना प्रतिबिंब देखने लगोगे। ये पात्र सब आपके जीवन में कहां कहां कैसे हैं, ये घटनाएं आपके जीवन में कैसे हो रही हैं, और आपको पता चलेगा, ओ माय गॉड, दिस इज वेयर आई मेड मिस्टेक, यहां पर मैं भूल कर गया, यहां पर मेरा फायदा कोई उठा कर ले गया, यहां पर मुझे पता नहीं चला। ये अपने जीवन की कथा आपको पता चलने लगी। इसलिए मैनेजिंग लाइफ द गीता वे, और सभी को यह मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आप 15-17 साल के भी हो सकते हो और आप 70-80 साल के भी हो सकते हो, सभी को गीता में से अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। माम कहा पांडवास,
और इसलिए कहा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ये धृतराष्ट्र जो बोल रहा, धृतराष्ट्र अंध था, वो तो एक फिजिकल लिमिटेशन आ गई, चलो हम कहेंगे उस। लेकिन देखिए एक बात ये भी कह दूं, हमारे शास्त्रकारों ने जो ग्रंथ लिखे हैं दे वर नॉट मियरली स्टोरी टेलर्स, उनको केवल कहानियां बता करके लोगों को एंटरटेन करने का मकसद नहीं था, उनका हेतु नहीं था। कहानियों के माध्यम से उन्होंने इतिहास को लिखा, हिस्ट्री। हाँ, ये केवल ये भी बात है कि आजकल के लोग क्या कहते हैं, ये सब माइथोलॉजी, माइथोलॉजी का मतलब कल्पना है, नहीं है ये सब, ये हिस्ट्री है, इतिहास है। इति ह आस, इतिहास शब्द का भी अर्थ है ऐसा हुआ था, जो घटनाएं बनी है वो बात लिखी गई, हिस्ट्री है। उसको लिखा पोएटिकली, श्लोकों में लिखा। क्यों? क्योंकि गद्य जल्दी से याद नहीं रहता, पद्य जल्दी से याद रह जाता। अब देखो, जब छोटे थे आपने हिस्ट्री पढ़ी, क्या याद है आपको अभी इसका? क्योंकि वो सब प्रोज था ना, ये राजा ने इसके साथ, यूरोपियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, उधर का हिस्ट्री, इधर का हिस्ट्री, रट्टा लगाया था, एग्जाम में लिख के भी आए, अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन तुरंत भूल भी गए, जैसा रिजल्ट हाथ में आया वाइप आउट, शुट, खत्म। क्योंकि वो प्रोस था। लेकिन उस समय में आपने जो पोएट्री पढ़ी होगी और उसमें से कोई कविता आपको याद रह गई होगी अच्छी, तो अभी भी याद होगी वो। और पढ़ाई की कविता ना सही, छोटी उम्र में जो फिल्म देखी होगी ना, गुपचुप जाकर के, और उसके गाने अभी भी याद, सही बात है। और वो गाना अभी बजे तो रेडियो पे या कहीं सुनो तो आप उसके साथ साथ में गाना शुरू कर देते हो, क्या आप रट्टा लगाने बैठे थे? एक दो तीन चार पांच, वो कोई था ना ऐसा गाना, कोई रट्टा लगाने बैठा था? कोई पॉपुलर गाना बताओ ना, मैंने याद ही ना आवे गाना, कोई ऐसा पॉपुलर गाना। वेणु भाई बोलो ना, कहू हम। विनोद जी आप ही बोल दीजिए कोई गाना। वाह वाह वाह, वो साथी रे, अनुराधा मुंह छुपा रही है अभी, विनोद जी का प्रिय गाना है, वो साथी रे तेरे बिना क्या जीना। वाह वाह, अब रट्टा लगाने बैठे थे, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, फिर याद रहेगा कि नहीं, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, रट्टा लगाया था नहीं, लेकिन चूंकि वो एक रिदम में है, एक पोएट्री है, तो कितने 35 साल हुए, हाँ 33, वही अब 33 साल तक तो याद है ना, और रहेगा भी है याद, रखना। जा नहीं रहा है बाहर, मुझे सुनाई पड़ रहा है, बजा बजा। दुबई मजा ना थी हो, यही ना विनोद भाई कहते हैं, हाँ यही। छोड़ो, हमारे शास्त्रकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं को पोएटिकली लिखा ताकि वो याद रहे, लेकिन केवल इतिहास निरूपण करना भी उनका हेतु नहीं था। तो उसमें से जो सोशल मैसेज मिलता है कि वो जो घटना, जैसे इंग्लिश की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध कहावत है,
दोज हु डोंट स्टडी द हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट. जो इतिहास का अध्ययन नहीं करते और उसमें जो जो सीख मिलती है वो नहीं लेते, वो इतिहास की गलतियों को बार बार दोहराते हैं. तो उसका जो सोशल मैसेज है वो, और केवल सोशल मैसेज नहीं, उसमें से कोई आध्यात्मिक संदेश भी निकालना, ये हमारे, इसलिए वो ऋषि कहलाए. केवल वो हिस्टोरियन नहीं थे, केवल पोएट्स नहीं थे, केवल सोशल मैसेज देने वाले लोग नहीं थे, वो ऋषि कहा. ऋषि जो दृष्टा है, यूनिवर्सल मैसेज उसमें से बाहर निकलेगा. 5000 वर्ष पहले जो घटना हो गई हस्तिनापुर के अंदर, वो घटना आज भी और आने वाले समय में भी, कहीं भी व्यक्ति हो दुनिया भर में, उसको कैसे काम आए. और इसलिए मैं तो जुड़ा हुआ हूं उस प्रोजेक्ट के साथ, इसलिए मुझे पता है हॉलीवुड के लोग भी आज 21वीं सदी में महाभारत पर मूवी बनाना चाहते, और उस प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा हुआ. घर पे जब बैठेंगे तो बात करूंगा उसके बारे में डिटेल में, अभी व्यासपीठ से नहीं बता रहा हूं. लेकिन स्क्रिप्ट ऑथेंटिक हो रही है कि नहीं, वहां के ब्रिटेन के अमेरिका के गोरे प्रोड्यूसर्स एक्टर्स डायरेक्टर्स वो इसके साथ. तात्विक अर्थ इसका यह है धृतराष्ट्र का, कि सत्ता और संपत्ति का लोभी व्यक्ति हमेशा अंधा ही हो जाता है. जिसको एक बार केवल सत्ता दिखे, केवल कुर्सी दिखे, केवल सिंहासन दिखे, केवल संपत्ति दिखे, वो आदमी अंधा हो जाता है. लोभ व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है, फिर वो योग्य और अयोग्य में तय नहीं कर पाता. लोभ जहां आ गया, ये धृतराष्ट्र है. वो सही और गलत का भेद भी देख नहीं सकता. महाभारत में महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र को दंभ का मूर्तिमंत स्वरूप बताया है. धृतराष्ट्र इज हिपोक्रेसी परसोनिफाइड. ये धृतराष्ट्र है. और एक बात याद रखना, में दाम्भिक आस्तिक से प्रामाणिक नास्तिक बेहतर होता है. कोई व्यक्ति धर्म का दिखावा करे, अच्छे होने का दिखावा करे, उससे तो नास्तिक व्यक्ति बेहतर जो कह दे कि भाई मैं नहीं मानता हूं. या तो गलत व्यक्ति कह दे कि मैं बुरा हूं भाई, ये मेरी खासियत है, मेरा स्वभाव है, क्योंकि एटलीस्ट वो तुम्हें पता तो चलेगा कि ये बुरा है. व्यक्ति हो बुरा लेकिन अच्छाई का मोहरा पहन के आए, वो ज्यादा डेंजरस होता है. धृतराष्ट्र इसलिए डेंजरस है, वो दाम्भिक हिपोक्रेसी. इस देश में नास्तिक कणाद को ऋषि कहा गया. आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या भी समझना बहुत सिंपल है. अस्ति इति मन्यते स आस्तिक. इस संसार में ईश्वर जैसी कोई सत्ता है, फिर किस स्वरूप में, किस नाम से, कैसे उपासना करते हो, वो सेकेंडरी बात है. लेकिन आप मानते हो कि ऐसी कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी, कोई सिस्टम होनी चाहिए जो हम सभी को कंट्रोल कर रही है, जो हम नहीं कर पाते वो उनसे हो सकता है. इतना जो स्वीकार करे वो आस्तिक. अस्ति इति मन्यते स आस्तिक, और न अस्ति इति मन्यते स नास्तिक. नहीं, ऐसी कोई एनर्जी है ही नहीं, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब चलता है बस ऐसे ही, वो नास्तिक है.
इस देश ने नास्तिक ऐसे कणाद को ऋषि कहा। कणाद नाम भी कणाद इसलिए रखा, कण में मानते थे, आज की भाषा में कहूं तो मॉलिक्यूल्स। ही वॉज अ फिजिसिस्ट। उसने कहा कि कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये पूरी सिस्टम सृष्टि जो चल रही है वो मॉलिक्यूल्स पे चल रही है, पूरा खेल मॉलिक्यूल्स का है। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स से कंपार्ट में आते हैं, जो भी रिएक्शन होता है उससे चलते रहता है। तो कण 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 पी लवह पी लवह पी लवह, इस हद तक डेथ बेड पे था, मृत्यु नजदीक आ गई। परिवार के किसी व्यक्ति ने पूछा कि जीवन भर तो तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, अब मरते वक्त तो ले लो, भला हो जाएगा तुम्हारा। वो मरते वक्त भी पी लवह पी लवह पी लवह, मॉलिक्यूल्स 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 बोलता हुआ मरा कणाद। लेकिन उसको ऋषि कहा, बिकॉज दैट वॉज हिज बिलीफ, ही हैड एन आइडिया, और उसके पास उसका अपना लॉजिक था वो सब समझाने के लिए। नास्तिक ऐसे कणाद को हमने ऋषि कहा, और आस्तिक ऐसे रावण को हमने राक्षस कहा। रावण भगवान की पूजा करता था, शिवजी का बड़ा भक्त था वो, 1000 कमल की पूजा करते करते 999 कमल हो गए, एक कमल कम पड़ गया तो अपने सर कट के देने के लिए तैयार हुआ, ऐसा भक्त रावण। कितने बड़े बड़े बेटा ये कितने बड़े बड़े स्तोत्र लिखे हैं उसने, फिर भी वो रावण को हमने राक्षस कहा, क्योंकि उसका धर्म केवल दिखावा था, दंभ था, हिपोक्रेसी थी। धृतराष्ट्र हिपोक्रेट है। पहले दो शब्द भी ये पहले श्लोक के देख लीजिए आप, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। गीता का ये मैसेज है भाई हमारे लिए, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। थोड़ा सा व्याकरण को ये करके मैं कह रहा हूं, भगवद गीता क्या सिखाना चाहती है, क्षेत्रे देखियो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, शब्दों को थोड़ा रीअरेंज कीजिए तो बनेगा क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। ये गीता कहना चाहती है जिस क्षेत्र में आप हो धर्म का आचरण करो। सभी को हाथ में माला लेकर के मंदिर में भीड़ करने की जरूरत नहीं है, यदि सब लोग आकर के मंदिर में बैठेंगे तो फिर संसार कौन चलाएगा, दुकानें कौन चलाएगा। अरे मंदिर में से लौटकर घर पे जाओगे तो मम्मम भी चाहिए ना, वो भी कहेंगे हम भी आपके साथ मंदिर में ही थे। अच्छा, कोई भी कर्म बुरा नहीं है यदि कर्म करने वाले का हेतु अच्छा हो। तो जिस क्षेत्र में तुम हो, जो भी तुम्हारी एफिशिएंसी है, जो भी तुम्हारी एक्सेलेंसी है, जहां पर भी, लेकिन जो भी करो वो धर्म के भाव से करो, डू इट राइटियसली, तो वो तुम धार्मिक हो। कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दिया अभी तक दुनिया में जितने भी, और आज भी देखो आप, ये भगवद गीता की परिधि से बाहर निकलो तो जितने भी धर्म है वो क्या करते हैं, ये आपको एक हाथ में लिस्ट थमा देते हैं, डूज एंड डोंट्स, इतना 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 करोगे तो तुम धार्मिक हो, इतना इतना नहीं करोगे तो तुम अधार्मिक हो, इतना करोगे तो पुण्य होगा, इतना करोगे तो पाप लगेगा, वही करते हैं। गीता ने पूरा ऐसा कोई लिस्ट नहीं दिया, आप देखना पूरी गीता पढ़ लो, ऐसा कोई लिस्ट नहीं थमाया आपके हाथ में। गीता केवल इतना कहती है जिस क्षेत्र में हो तुम, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है,
धर्म की दृष्टि से करो, अच्छी तरह से करो, तो तुम योगी हो, तुम धार्मिक हो, तुम परमात्मा के प्रिय हो। ये स्वतंत्रता दी है गीता ने। देखिए बार बार ये बात आएगी, गीता फ्रीडम देती है, गीता आपकी बुद्धि पर भरोसा रखती है। और गीता ये मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि है, यदि वो सही दिशा में सोचे, एक व्यापक अर्थ करके सोचे। एवरीवन इज वाइज। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, बस ये गीता का उपदेश है। तुम्हारा जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र अर्थात तुम्हारा कार्य क्षेत्र, वो धर्म क्षेत्र बन जाए। बस लोग धर्म क्षेत्र के में आकर के कुरुक्षेत्र शुरू करते हैं, मंदिर में आकर के झगड़े शुरू करते हैं, ये मेरा भगवान ये तेरा भगवान। मैंने देखा है कई परिवारों में पति पत्नी हो, उनके भगवान अलग अलग होते हैं, एक ही मंदिर में पार्टीशन। एक के श्रद्धा एक, दूसरे की दूसरी, पूजा करने भी अलग अलग बैठेंगे। तेरे भगवान की पूजा हो गई तो फिर मैं मेरे वाले की करूं। अरे भगवान भी अलग तुम्हारे। अगरबत्ती जल रही थी, अगरबत्ती की खुशबू जा रही थी, तो उसने कहा तेरे भगवान का मुंह जरा इधर कर, मेरी अगरबत्ती ले रहे हैं वो। ये कितनी बचकानी बातें हैं। ये आपको हंसी आ रही है, मैं मेरी वेदना प्रकट कर रहा हूं। इट इज सो पैथेटिक। और इसको लोग धर्म समझते हैं। दुख की बात यह है, वो कहते हैं हम तो बहुत धार्मिक हैं। इस पागलपन को जब धर्म समझा जा रहा, वहां पर श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। लोग धर्म के क्षेत्र में आकर के कुरुक्षेत्र शुरू कर देते हैं। वहां कृष्ण ने कहा कुरुक्षेत्र जो तुम्हारा हो, जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र, जो तुम्हारा वर्क प्लेस हो, उसको धर्म क्षेत्र बनाओ। तुम दुकान चला रहे हो तो तुम्हारी दुकान ऐसी चलनी चाहिए कि वहां आने वाले लोगों को ऐसा लगे कि मैं किसी मंदिर के दर्शन के लिए आया हूं। आंख बंद करके तुम्हारे साथ सौदा होता चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को पता चले ये आदमी कभी मेरे साथ चीटिंग नहीं करेगा। इनकी दुकान से कभी कोई गलत माल नहीं आएगा। छोटा सा बच्चा जाके लेकर वस्तु आए तो वहां कभी छल नहीं होगा। ये कार्य क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन गया। आप फैक्ट्री चला रहे हो, आप ऑफिस चला रहे हो, आप किसी दूसरे के वहां काम कर रहे हो, तो वो आपका कार्यक्षेत्र है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक या 6 बजे तक, वो आपका कार्यक्षेत्र आपके लिए धर्म क्षेत्र बनना चाहिए। मंदिर जाते हो बहुत अच्छी बात है, कभी ना जा पाए, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र यदि आपका धर्म क्षेत्र बन गया तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, उन्होंने क्या किया? संजय कहते हैं महाराज 9 बज गए, मैं कल बताऊंगा क्या किया उन्होंने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव की।